हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर तक हमने डिटेल में वो सारे पोर्शन कवर कर रखे थे, दैट इज आपका सर्कल रिलेटेड जो भी टॉपिक था, सर्कम सर्कल, इन सर्कल, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, पैडल ट्रायंगल, सेंट्रोइड, मीडियम का लेंथ वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज, बहुत सारे पूरा आखिर लेक्चर थेरी पे ही गया था और बहुत सारे टॉपिक्स से हमने बातचीत की है, ठीक है ना। तो ये मतलब अनंत फॉर्मूला आपको सीखने को मिला आखिरी लेक्चर में। तो ये सारे फॉर्मूले अगर याद है तभी जाकर के आज इनके ऊपर क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो स्ट्रगल तो जरूर करोगे, इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है ना कि उस कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना है, साइड से डिस्टेंस कितना है, उस लेंथ क्या है मीडियम का या फिर इन सेंटर का लेंथ, सॉरी एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ क्या, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, टिप्स पर याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप स्ट्रगल करोगे याद रखना, समझ में आ रहा है ना। मेरे को तो याद नहीं रहता तो मेरे पास फॉर्मूला है, मैं जरूर उसका सहायता लूंगा। बट आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको एग्जाम से पहले, अभी आप ऐसे कर सकते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम से पहले अपना थ्योरी पोर्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ, स्टार्ट करते हैं। चलिए ये सारे के सारे उसी टॉपिक के ऊपर है क्वेश्चन और उसके बाद अपन अगले टॉपिक्स में चलेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्या आ रहा है। ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। O is the circumcenter of triangle ABC, जो कि हम already जान चुके है ना, circumcenter को हम O से represent करते हैं, सही बात है क्या। तो O अगर circumcenter है triangle ABC का, तो OA, OB, OC क्या हो जाएगा, पहले तो ये clear कर लो, OA, OB और OC तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, सर्कम रेडियस हो जाएगा। आप जानते हो ये चीज, बढ़िया से जानते हो आप, ठीक है। और इनके थ्रू एक सर्कल भी पास होगा, तो कहीं ना कहीं अपन एक और चीज बोल सकते हैं, ये अगर एंगल ए है पूरा तो ये एंगल हो जाएगा, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचता हूं तो ये एंगल हो जाएगा ट्वाइस है, तो ये ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा प्रॉपर्टी आप आना चाहिए आपको, ठीक है, लास्ट लेक्चर का थियरी पढ़ाने के बाद इतना सा प्रॉपर्टी आना चाहिए। देखो ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यहां से मैं अलग सा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओडी, क्या उसका जरूरत आएगा भी नहीं पता मुझे, बट लिख दिया। बोला गया है आर वन आर टू आर थ्री जो है वो ट्राइंगल ओबीसी, ओबीए और ओसीए का सर्कम रेडियस है, तो आपको एक रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आप मान लो आपका ट्राइंगल ओबीए, ट्राइंगल ओबीए कुछ इस तरीके से है, अभी अगर ये इसका सर्कम रेडियस अगर मेरे को दिया गया है आर वन, किसका आर वन दिया गया है, आर वन है ओबीसी का, अच्छा ठीक है, मान लीजिए चलो ये ओबीसी है, तो अगर ये ओबीसी है तो ओबीसी का सर्कम रेडियस अगर आर वन है, ठीक है, तो हम एक रिलेशन लिख पाएंगे ना, जो साइन रूल है वो लगा सकते हैं ना यहाँ पे, बेसिक से ही करो चीजों को। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग में क्या बोल सकता हूँ, ट्वाइस आर वन शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड अपॉन साइन ऑफ द एंगल अपोजिट टू दैट साइड, ठीक है। तो साइड लेंथ हम ओसी को भी नहीं लेंगे, ओबी को भी नहीं लेंगे, बीसी को लेंगे, बिकॉज क्यों, जबकि हमें यह पता है कि सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या है, हमें पता है, बिकॉज वो इज द सर्कम सेंटर, तो ओबी, ओए, ओसी ये तीनों लेंथ आपको पता है, बट फिर भी मैं इसको अवॉइड करूंगा क्योंकि बीसी जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है ना, बीसी क्या है, बीसी बहुत ही सिंपल एंगल है, बीसी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ट्वाइस आर वन को क्या मैं ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल बीओसी लिख सकता हूं, बराबर से लिख सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। एंड वट इज साइन ऑफ एंगल बीओसी, एंगल बीओसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पूरा एंगल आपको ट्वाइस से दिख रहा है, अरे भाई जाओ ना, क्या पढ़ाना भाई, दिक्कत क्यों दे रहे हो। तो ये पूरा पूरा एंगल बीओसी क्या हो जाएगा, ट्वाइस से हो जाएगा, सही बात है। तो ये ट्वाइस आर वन, ये ए अपॉन साइन ट्वाइस से हो गया, सही बात है, क्लियर। तो यहां तक तो हमारे को पता चल गया, अभी ए डिवाइडेड बाई आर वन का वैल्यू यहां से हमारे को मालूम पड़ गया ना, ए बाई आर वन क्या हो जाएगा, टू साइन टू ए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो b बाई आर टू क्या हो जाएगा, b बाई आर टू हो जाएगा टू साइन टू बी हो जाएगा, सही बात है क्या। और c बाई आर थ्री क्या हो जाएगा, टू साइन टू सी हो जाएगा, सही बात है क्या, क्लियर है। तो अभी अगर अपन LHS को लेते हैं, कंसीडर करते हैं LHS को, तो a बाई आर वन प्लस b बाई आर टू प्लस c बाई आर थ्री, इस चीज का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू साइन टू ए, टू साइन टू बी, टू साइन टू सी। तो ये टू कॉमन चला गया और यहाँ पे आ गया साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, सही बात है क्या, क्लियर है। और टू साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी को कहीं ना कहीं अपन क्या लिख सकते हैं, फोर साइन ए साइन बी साइन सी, याद है आपको। तो ये टोटल कितना हो जाएगा,
8 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी लिख सकते हैं, सही बात है क्या? क्लियर है? अब जानते हो आइडेंटिटी में अपन ऑलरेडी प्रूफ करा चुके हैं आपको, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी व्हेन व्हेन योर एंगल एबीसी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू पाई, ठीक है? और इसी चीज को अभी आपको स्मॉल एबीसी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल एबीसी के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो ए साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, ए बाई टू आर, ये हो जाएगा बी बाई टू आर और ये हो जाएगा सी बाई टू आर फ्रॉम साइन रूल इन द ट्राइंगल एबीसी नॉट ओ ए बी ओबीसी एंड ओसीए। अपन ये चीज कहां से लिख रहे हैं, साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं किस ट्राइंगल में, ये सब तीन ट्राइंगल में क्या, बिल्कुल नहीं, किस ट्राइंगल में अप्लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी में अप्लाई कर रहे हैं, सही बात है क्या? तो ये टू 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 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया एबीसी अपॉन आर क्यूब, सही बात है, क्लियर पक्की बात, चलो प्रूफ हो गया हमारा, है ना? तो एकदम बढ़िया से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एडवांस आपको पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई हाईफाई चीज यूज नहीं हुआ, बेसिक एसओटी यूज हुआ, बट उस बेसिक एसओटी में भी मैं बोलूंगा ये बहुत ही एक सुंदर और अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब आपकी एकदम टिप्स में होनी चाहिए, इस तरीके का सवाल एडवांस या फिर मेंस के टफ क्वेश्चंस में बिल्कुल आपको दिख सकता है कभी भी किसी भी पेपर में, ठीक है? ये अभी तक ये फ्लेवर पूछा नहीं है, बट इस फ्लेवर को मैं खास कर बहुत पसंद करता हूं और आप इसको कीजिएगा, जब भी साइन रूल को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में आपको यूज करना होता है अलग अलग ट्राइंगल में, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है, सही बात है क्या? बच्चे पकड़ नहीं पाते यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या क्या सोचते रहेंगे, समझ आ रहा है? बट एग्जैक्टली अगर टू द पॉइंट सोचोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, और टू द पॉइंट आप कैसे सोचोगे, एग्जैक्टली इस चीज को देखोगे कि ये जनाब हमारे को मिल कहां से सकता है, ए बाई आर वन कहां से मिल सकता है, ऑब्वियसली साइन रूल से मिल सकता है, बिकॉज ए बाई साइन इक्वल टू ट्वाइस आर आपको पता है, तो वही साइन रूल अगर मैं इस ट्राइंगल में लगा देता हूं तो आर की जगह पे आर वन आ जाएगा, ए के जगह में इस ट्राइंगल का साइन लेंथ आएगा और साइन ऑफ ए के जगह में साइन ऑफ एंगल एंगल ऑपोजिट टू दैट साइड आ जाएगा, क्लियर है? समझ में आ रहा है, ठीक है? हर ट्राइंगल में अपन साइन रूल, हर ट्राइंगल में अपन कोसाइन रूल लगा सकते हैं, क्लियर है? जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको फॉर्मूला बना के दिया गया है साइन रूल कोसाइन रूल, वो किस फॉर्मेट में, वो तो है ट्राइंगल एबीसी में, बट उस ट्राइंगल एबीसी के अंदर भी अगर मैं छोटे छोटे ट्राइंगल टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो वो सारे के सारे ट्राइंगल में भी अपन साइन रूल कोसाइन रूल लगा सकते हैं, और वो चीज लगाना हमारे को आना चाहिए, वो कला अगर हमारे को नहीं आता है तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का अच्छे सवाल में हम स्ट्रगल करेंगे बहुत बुरे तरीके से, समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? बच्चे ये दिमाग में फिक्स करके बैठ जाते हैं कि साइन रूल बोले तो सिर्फ ए बाई साइन ए कॉस बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी इक्वल टू टू आर, अरे नहीं भाई, किसी भी ट्राइंगल में साइन रूल लगाया जा सकता है, बस ध्यान क्या रखना है कि उस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस, उस ट्राइंगल का कोई भी फलाना, मान ले एबीसी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर में मान ले तीन ट्राइंगल डिवाइड कर दिए, से इस ट्राइंगल में भी साइन रूल, इस ट्राइंगल में भी कोसाइन रूल, इस ट्राइंगल में भी प्रोजेक्शन नेपियर सब कुछ लगा सकता है, समझ आ रहा है ना? बस ध्यान रहना होगा कि साइड लेंथ जब लोगे, उस वक्त आप एबीसी ले रहे थे, अब की बार आप ये साइड और ये साइड लोगे, उस वक्त आप कैपिटल एंगल एबीसी ले रहे थे, अब की बार आप ये एंगल और ये एंगल लोगे, समझ आ रहा है ना? क्लियर है? और रेशियो लिखोगे और इक्वल टू क्या लिखोगे, टू आर डैश, बिकॉज कैपिटल आर स्टैंड फॉर सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, बट अब की बार तो आप इस ट्राइंगल का बात कर रहे हो तो ये आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश हो जाएगा इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस, ये जो इस ट्राइंगल को जो सर्कम स्क्राइब करने वाला सर्कल है उसका रेडियस आर डैश हो जाएगा, क्लियर है? तो किसी भी ट्राइंगल में वो चीज आप लगा सकते हो और ये कला आपके अंदर होना चाहिए और समझ भी आपके अंदर होना चाहिए जनाब, क्लियर है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, नंबर टू क्वेश्चन देखो, एफ जी इज बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑन द साइड्स ए बी सी, सही बात है, एक ट्राइंगल आपको बोला जा रहा है एबीसी, आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है जनरल ट्राइंगल मान लो ए बी सी, सही बात है, क्लियर? एफ जी इज बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एफ जी एच सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी जिसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे और उस जगह से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, दैट इज ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा एच, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, सही है क्या? एफ जी एच, क्लियर है मेरी बात? तो आपने को क्या निकालना है, ए बाई एफ प्लस बी बाई जी प्लस सी बाई एच का वैल्यू निकालना है, तो एबीसी तो पता ही है, अभी एफजीएच बस निकालना है, तो एफजीएच का फॉर्मूला तो शायद मैंने ऑलरेडी आपको निकाल करके दे दिया था, याद है कि नहीं आपको, एफजीएच ऑलरेडी आपको निकाल के दिया था ना, कि डिस्टेंस फ्रॉम सर्कम सेंटर टू एनी साइड ऑफ ट्राइंगल क्या है, मेरे को तो याद नहीं है फॉर्मूला, मुझे देखना पड़ेगा, माफ करो,
बट आपको ये चीज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, सही बात है क्या? क्लियर है, मैंने ये करके दिया था आपको। हाँ, आर कॉस है, मिल गया, एफ का वैल्यू है आर कॉस है, इसका वैल्यू हो जाएगा आर कॉस बी और इसका वैल्यू हो जाएगा आर कोसाइन सी। एफ मतलब ये लाइन है ना, ये दस ए का ऑपोजिट है ना, ठीक है, ए के साथ अलाइन हो रहा है, तो आर कॉस है आर कॉस बी आर कॉस सी, ठीक है। और ए को तो अपन लिख ही सकते हैं, अभी अपने को प्रूफ करना है क्या, ए बी, तो ए को भी लिख दो, ए को भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में लिख दो, ए को भी आर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, और वो तो सिंपल है, वो कहां से लिख सकते हैं, डायरेक्टली साइन रूल से लिख सकते हैं, ए को ट्वाइस आर साइन ही लिख सकते हैं, क्लियर है क्या। बी को अपन क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस आर साइन भी लिख सकते हैं, और सी को अपन लिख सकते हैं ट्वाइस आर साइन सी, सही बात है क्या, क्लियर है। अभी आप पहले से साल से सॉल्व करो, अपना आपके पास आंसर आ जाएगा, क्लियर है, सही बात है। अभी और मेरे को करके देना, शायद जरूरत मैं नहीं समझता, अभी आप आराम से खुद से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा इस सवाल को, सही बात है क्या। अपन आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, सही बात है क्या। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द इन सर्कल विद द साइड्स आर अल्फा बीटा गामा, इफ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सही बात है, डिस्टेंस ऑफ क्या, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट इज ए बी सी से डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ द इन सर्कल, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ द इन सर्कल, अच्छा समझ गया, मतलब किसका बात चल रहा है, ये अगर मैं बोल दू ये पॉइंट ऑफ कंटेक्ट डी है, ये ई है, ये एफ है, ये अगर आई है मान लो, तो ये आई डी आई ई आई एफ हो गया, जो कि परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, आपको बोला गया है, इनडायरेक्टली बोला है, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ द इन सर्कल विद साइड्स आर, with the sides are alpha, beta, gamma. That is ये length alpha है. Length of tangent का बात चल रहा है. समझेगा मेरी बात? ठीक है ना? ये length beta है और ये length gamma है. ठीक है ना? तो आपको ये चीज प्रूफ कर देना है. ठीक है ना? तो length of tangent का formula क्या था? तीनों formula मैंने आपको निकाल के दिया था length of tangent का. अगर आप ध्यान से याद होगा आपको, तो आपको पता चलेगा length of tangent का formula निकाला था s minus a, s minus b, s minus c. तो alpha मान लेते हम क्या? S माइनस ए, बीटा मान लेते क्या S माइनस बी, और गामा मान लेते हैं S माइनस सी, निकाला था आप देख लेना। आरएचएस पे चलते हैं, क्योंकि आरएचएस ही तो अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में प्रेजेंट है ना, आरएचएस ही सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, और तीनों को अगर जोड़ देंगे तो ये 3S माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा, एंड व्हाट व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज ट्वाइस एस, ठीक है ना, तो ऊपर आ गया नीचे आ गया 3S माइनस ट्वाइस एस एस, और ऊपर अगर मैं एक और एस चिपका देता हूं, ऊपर अगर अपन एक और एस चिपका देते तो नीचे एक और एस आ जाएगा, सही है क्या। अभी इस ऊपर वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर, नीचे वाले को लिख सकते हैं आर स्क्वायर, विच कैन बी एक्सप्रेस दिस डेल्टा बाय एस का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज योर डेल्टा अपॉन एस, आर स्क्वायर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आर इनटू एस होता है, लास्ट क्लास में अपन ने प्रूफ किए थे इन सर्कल वाले टॉपिक में, ले लेगा तो आराम से हो गया ये चीज, चलो सही बात है, आगे चलते, चलिए नोट कर लीजिएगा पॉज करके अच्छे से, सही है, फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक है, फॉर्मुला बेस्ड टॉपिक, जो अच्छे क्वेश्चन है मैं मार्क करके दे ही रहा हूँ, ठीक है, मार्क नहीं, ये देखो पहले वाले पे स्टार लगाया ना, ये अच्छा सवाल है, बाकी दोनों फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो भी अच्छे क्वेश्चन है मैं टिक लगाते रहूंगा, सही बात है, करने के बाद पता चलेगा, पहले कैसे पता चलेगा, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी ए इज इक्वल टू 10, कैपिटल ए इक्वल टू 2π/3, ए बराबर 10, कैपिटल ए बराबर 2π/3, और सर्कल थ्रू बी एंड सी पास थ्रू इन सेंटर, अच्छा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या बोला कुछ समझा ही नहीं सवाल में, चलो ट्राइंगल बनाते पहले, ट्राइंगल एबीसी इस तरीके से दिख रहा है हमारे को, ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बराबर से दिख रहा है, अच्छा अभी बढ़ते हैं आगे। A का वैल्यू 10 दिया है, मतलब A तो ये साइड होता है, ये 10 है, ये एंगल 2π/3 है, एंगल A का वैल्यू भी दे रखा है कितना 2π/3, चलो और बोला है कि सर्कल थ्रू B एंड C पास थ्रू इन सेंटर, अरे बाप रे, इन सेंटर तो अंदर होगा, इन सेंटर तो अंदर होगा ना भाई, ऑर्थो सेंटर,
ऑर्थो सेंटर और सर्कल सेंटर आउटसाइड होता है, बट इन सेंटर और सेंट्रोइड किसी भी ट्राइंगल के केस में हमेशा इनसाइड ही होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सवाल मत पूछना मेरे को, बच्चे क्लास में पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये इनसाइड ट्राइंगल होगा, या आउटसाइड ट्राइंगल भी तो हो सकता है क्योंकि तीनों एंगल का इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया, तो आपको कैसे पता चल गया कि ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। बेटा एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल हो, इन सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा इनसाइड ट्राइंगल होगा, बट ऑर्थो और सर्कम सेंटर आउटसाइड ट्राइंगल हो सकता है इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल के केस में आप जानते ही हो, ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वाला पॉइंट ही बन जाता है, सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट हो जाता है। क्लियर है? और तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा मान लो इन सेंटर, ठीक है, तो ये इन सेंटर सर्कल थ्रो बी एंड सी पासेस थ्रो, अच्छा ये तो इसको कट करेगा, तब तो सर्कल सही से बनाना पड़ेगा भाई, कट करके जाएगा ना दो पॉइंट में। ये अगर इन सेंटर में बोलता हूं ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा ना भाई, ऐसे हो जाएगा। मान लो ये इन सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, अगर ये इन सेंटर होता है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये एडी एंगुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये पाई बाई थ्री हो जाएगा और ये भी पाई बाई थ्री हो जाएगा। सही बात है क्या? क्लियर है? चलो अभी सवाल पढ़ते हैं, अच्छा सवाल तो लग रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का रेडियस निकालना है। अच्छा क्या बात है भाई, इस सर्कल का रेडियस निकालना है, जबरदस्त सवाल है, इस सर्कल का रेडियस निकालना। सर्कल थ्रू बी सी एंड आई, इस सर्कल का सेंटर ही तो नहीं पता चल रहा है हमारे को, इस सर्कल का रेडियस निकालना है ना। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो कुछ होगा क्या? कुछ पता ही नहीं, पल्ले नहीं पड़ रहा है कुछ। सही है, इस सर्कल का रेडियस निकालना, इसका रेडियस होगा तो होगा क्या, भगवान जाने भाई कैसे सोचे इसको, थॉट कैसे डेवलप करे यार, तो एक कंसेप्ट था यार भूल गया मैं। मुश्किल हो जाएगा इसको सोचना, तो ऐसा कोई लॉजिक तो मैंने आपको बताया नहीं, सोचना पड़ेगा, पर कोई रास्ता तो लग नहीं रहा है भाई, कैसे सोचे, बोलिए जरा, बोली बोली बोली, अगर आप क्लास में होते तो आपको पूछ पूछ के थका देता नहीं, यहाँ पे तो सोचना पड़ जाएगा जनाब। पाई बाई थ्री दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आपको बी सी, बी और सी के बीसी डायमीटर है या नहीं ये सब कुछ पता नहीं चल रहा यार, कैसे करे, कैसे करे वो, अच्छा इतना सा तो समझ आ रहा है कि ये जो सर्कल है ये सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल बी आई सी है, इतना तो देख के समझ आ रहा है कि ये बी आई सी के थ्रू पास कर रहा है, मतलब ये सर्कम सर्कल है। अच्छा अगर ये सर्कम सर्कल है तो इस सर्कम सर्कल का रेडियस को अगर मैं आर बोल देता हूं तो ट्वाइस आर इज इक्वल टू, मैं साइन रूल लगा सकता हूं इन दिस ट्राइंगल, ऑब्वियसली इन दिस ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में मैं किसको लूंगा, ऑब्वियसली इस साइड को लूंगा बिकॉज ये साइड मेरे को पता है, तो ट्वाइस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑपोजिट टू द साइड, तो टेन के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल बी आई सी है। अच्छा यहां से रेडियस निकाल सकता है, अगर मेरे को ये एंगल पता चल गया ना बस काम हो गया और कुछ नहीं चाहिए, ये एंगल कैसे निकालेंगे, बी आई सी एंगल, बी आई सी कैसे निकालेंगे, बोलो 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 भाई बोलो, एंगल बी आई सी अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहां से बी आई सी कैसे निकाल सकते हैं, ये तो मुश्किल हो जाएगा, बी आई सी एंगल बी आई सी कैसे निकालेंगे,
अगर इस इन दोनों के थ्रू होकर के सर्कल ए से पास होता तो आराम से, या अगर आई सेंटर अगर हो जाता तो कुछ ना कुछ फायदा होता, बट एंगल बी आई से यहाँ से कैसे निकालेंगे? सवाल तो अच्छा है। अगर मैं इसका रेडियस को आर बोलूं तो डेफिनेटली साइन रूल अगर मैं इस ट्राइंगल में लगा दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक सर्कम सर्कल की तरह काम कर रहा है, तो इस सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वही तो मुझे निकालने बोला है ना, तो ट्वाइस आर इक्वल टू 10 बाई साइन ऑफ एंगल बी आई सी, ठीक है। बट एंगल बी आई सी कहां से पता चलेगा? एंगल बी आई सी मतलब ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल कहां से मालूम करे भाई? ये तो बोलो यार, ये तो बहुत ही दिक्कत वाला सीन बन गया। अच्छा एक काम कर सकते क्या, देख ये भी तो एंगुलर बाइसेक्टर लग रहा है ना, आई बी और आई सी ये दोनों ही तो एंगुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों के दोनों ही तो एंगुलर बाइसेक्टर है ना भाई, क्योंकि ये इन सेंटर से ज्वाइन हो रहा है ना। अगर ये इन सेंटर से ज्वाइन हो रहा है तो इन सेंटर से वर्टेक्स तक ज्वाइन करने वाला लाइन क्या होता है? एंगुलर बाइसेक्टर होता है। तो अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये कंप्लीट एंगल अगर बी है तो ये हो जाएगा बी बाई टू, ये हो जाएगा सी बाई टू, सही बात है क्या? ठीक है, तो एंगल बी आई सी क्या हो जाएगा? एंगल बी आई सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई टू, और बी प्लस सी बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है पाई, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, सही है क्या? तो ये आ जाएगा 90 माइनस ए बाई टू, दैट इज ये कितना हो जाएगा 90 प्लस ए बाई टू हो जाएगा। हो गया काम तमाम हो गया, थोड़ी देर सोचने से ही काम तमाम हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक्सलेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एडवांस लेवल के सवाल है और कभी भी एडवांस में टपक सकता है इस तरह क्वेश्चन। तो ये 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होगा, तो कॉस ए बाई टू आ जाएगा, ए कितना है 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका कॉस पाई बाई 3, ठीक है। तो ये 20 हो जाएगा, तो 2r का वैल्यू 20, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और r ही क्या है इस सर्कल का रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया 10 आ गया 10। बहुत ही क्लासिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, सही है क्या? ठीक है, तो चलो देखो कितना छोटा कैलकुलेशन है बट कंसेप्ट कितना तगड़ा है, समझ आ रहा है ना? कितना देर सोचना पड़ा, सोचो, समझ आ रहा मेरी बात? क्लियर है? अपने को सबसे पहले ये सर्कल का रेडियस के बारे में पता चला, जैसे रेडियस के बारे में पता चला तो हमने तुरंत किस चीज के बारे में सोचे कि रेडियस का इंफॉर्मेशन तुरंत हमें साइन रूल से मिलेगा, और साइन रूल के लिए मैं प्रोसीड किया इसीलिए भी क्योंकि एक साइड लेंथ दिया हुआ था, तो 10 बाई एंगल बी आई सी, और एंगल बी आई सी हमने किस तरीके से देखो इन सेंटर, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है विद द हेल्प ऑफ इन सेंटर लॉजिक एंड सर्कम सेंटर लॉजिक, सर्कम सर्कल और इन सेंटर को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर पूछा जाएगा तो बिल्कुल वो एक कंसेप्चुअल और अच्छा सवाल बनेगा, और बहुत ही कम स्टूडेंट समय के अंदर इसको कर पाएंगे। क्लियर है क्या? सही बात है, आगे बढ़ते जनाब, ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और उधर देखते कि और क्या क्या है, क्या क्या फ्लेवर है, ठीक है क्या? सही है, चलिए। इफ एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक्स वाई जेड आर द डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये तो ये सब कर लोगे यार, ये सब तो फॉर्मुला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस, तो आई ए आई बी आई सी ये सब मैंने फॉर्मूला आपको निकाल के दिया है, तो आई ए का वैल्यू हो गया एक्स, आई वाई का वैल्यू, आई बी का वैल्यू हो गया वाई और आई, तो आराम से एक्स वाई जेड तो आप निकाल ही लोगे, और ए बी सी है तो ये सब रेशियो वगैरह लेके ये आराम से कर लेना, तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं सवाल में। नंबर सिक्स करते चलिए, नंबर सिक्स करते हैं। Let ABC be a triangle with angle BAC equal to 2 pi by 3. सही है? Let ABC be a triangle with angle BAC equal to 2 pi by 3. BAC कितना है? 2 pi by 3. AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है? X दिया हुआ है ना? Such that AB into AC 1 हो गया. मतलब AC का वैल्यू हो जाएगा 1 by AB, that is AC हो जाएगा 1 by X. If X varies, x वेरी करेगा, ठीक है, x कांस्टेंट नहीं है, x इज वेरिएबल, देन फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर AD. अच्छा, एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ चाहिए, एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ क्या होता है वही तो मुझे नहीं पता, फॉर्मूला में भूल गया, एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ निकाल के दिया था ना,
फॉर्मूला देखना पड़ेगा, रुको। एंगुलर बाइसेक्टर का लेंथ निकाल करके दिया गया था आपको, कहीं ना कहीं पे तो होगा, पर आया तो होगा, हाँ मिल गया। 2BC by B plus into cos A by 2, 2BC, 2BC by B plus into cos A by 2, तो cos A कितना है, A कितना है भाई, A है तेरा 2 pi by 3, तो A by 3 हो जाएगा, ये pi by 3 हो जाएगा, तो ये half बन जाएगा ना, तो ये ultimately BC by B plus C आएगा, half आपको cancel हो जाएगा, half और 2, तो BC कितना है, ये क्या है, ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, मतलब B और C दिया हुआ है, हो गया x into 1 by x, 1 हो गया, और यहाँ पे x plus 1 by x आ गया। अभी x vary कर रहा है, और आपको पूछा है largest possible length, तो ये expression largest कब होगा, जब इसका denominator smallest होगा, ये expression largest कब होगा, जब इसका denominator smallest होगा, है ना, और x positive है, आप जानते हो ना, x positive है, आप जानते हो, because side length कभी तो negative हो नहीं सकता है, तो x और 1 by x इन दोनों quantity पे अगर AMGM inequality लगा देते हैं, ये ऑलरेडी आपको याद करा के दिया था मैंने, तो आराम से क्या पता चल जाता है कि x plus 1 by x is greater than equal to 2, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, तो मतलब ऐसे इक्वल टू देके मत लिखना, देयरफॉर AD का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ओवरऑल एक्सप्रेशन उतना ही बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा हाफ, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर 2 से बढ़ता जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन हाफ से डिक्रीज होता जाएगा, हाफ से घटता जाएगा, क्लियर है क्या, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, AMGM थोड़ा बहुत यूज हो गया, तो इसको भी मैं स्टार्ट जरूर लगाऊंगा, सही है क्या, ठीक है ना, चलो अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, ट्राइंगल एबीसी में सीडी जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है, CD जो है वो क्या है जनाब, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है, एंगल सी का बाइसेक्टर है, सही है, चलिए शुरू करते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी सीडी सी का बाइसेक्टर ना, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे आदत हो गया करते करते, तो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, cos c by 2 का वैल्यू दिया हुआ है 1 by 3, cos c by 2 का वैल्यू 1 by 3 गिवन है, CD का लेंथ दिया हुआ है, दैट इज लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है बिकॉज ये बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर बोल के देना चाहिए था, और cos c by 2 1 by 3 है, और CD का लेंथ 6 दिया हुआ है, तो आपको 1 by a plus 1 by b निकालना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, नहीं, गलत बोल दिया मैंने, ए बी है ना, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है, तो 1 by a plus 1 by b निकालना है, तो क्या कर सकते हैं यहां से, 1 by a plus 1 by b निकालने के लिए c का इंफॉर्मेशन को चाहिए ही नहीं मेरे को, c को तो हटाओ, पिक्चर से ही हटा दो c को, तो अपन यहां पे एक काम कर सकते हैं ना, जब भी हमें ऐसा चीज चाहिए होता है, तो लास्ट क्लास में भी हमने एक थ्योरी में एक चीज प्रूफ कराया था आपको, यूजिंग दिस कंसेप्ट जो मैं अभी यूज करने वाला हूं, क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि a और b चाहिए, और ये एंगल का जरूरत है जो कि गिवन है, बट इस साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो अपन क्लियरली एक चीज कर सकते हैं ना, बोले सर क्या कर सकते हो आप, ये एंगल c by 2 हो गया, ये एंगल भी c by 2 हो गया, कि सर आप एरिया वाला कंसेप्ट लगा दो ना, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा ओवरऑल ट्राइंगल का एरिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, सही बात है क्या, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू AB इंटू साइन C, है ना, AB into sin C, है ना, included angle between the sides, क्योंकि हमें तो C से कोई मतलब रखना नहीं है, और ACD का अगर मैं एरिया लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, इस साइड को तो पता भी नहीं है, और इसको मैं लूंगा भी नहीं, तो मैं इन दोनों को लूंगा, included angle C by 2 पता भी है, तो ये half B into 6 into cos C by 2, और ये आ जाएगा half A into 6 into cos C by 2, because दोनों जगह पे angle same है, यहां से simplify करो, sin C by 2 cancel हो जाएगा, sorry sin आएगा, cos क्या लिख रहा हूँ, तो sin c by 2 आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो cos c by 2 बचेगा, आराम से निकल आएगा आंसर, क्लियर है क्या, सही बात है, ठीक है ना, तो ये a plus b हमें बचेगा, नीचे से ab जब डिवाइड करेगा उसको, तो 1 by a plus 1 by b ऐसे ही आ जाएगा, सही बात है, तो इसको भी एक अच्छा प्रॉब्लम आप बोल सकते हो, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू कंसेप्ट है, मैंने आपको पहले भी ये चीज सिखा के रखा है किसी ना किसी थ्योरी प्रूफ करने के टाइम, ये चीज अच्छे से आप याद रखिएगा, एक एक छोटे छोटे टिप्स को बहुत ही अच्छे से आप याद रखो, तभी जाकर के
मैक्सिमम पॉइंट आप निकाल सकते हो. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर. अरे ऐसा एक क्वेश्चन तो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था मैंने आपको, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला था. अभी यहाँ पे आ गया सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस. चलिए करते करते चलिए, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लेते. यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है, सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना. चलो ये रहा आपका ट्राइंगल ए बी सी, और इसके अंदर हमें चाहिए दो चीज, सर्कम सेंटर और इन सेंटर. तो सर्कम सेंटर कैसे बनेगा, सर्कम सेंटर कैसे बने? अच्छा थोड़ा बड़ा कर देते इसको, चलो थोड़ा बड़ा कर देते तो और अच्छा होगा शायद, ठीक है ना. ये लो तुम्हारा ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है. ये हो गया आपका ट्राइंगल नंबर ए बी सी, ए बी सी सही. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज अगर मैं इसको सर्कम सेंटर बोलता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओडी, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी. ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, और यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा इन सेंटर आई सही है. अगर ये इन सेंटर है तो हमारे को बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है ओ आई. ओ आई तो अपन आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग दिस लेंथ एंड दैट लेंथ, ये वाले ट्राइंगल से आराम से निकाल सकते हैं ना ओ आई, ठीक है. तो ये अपन कैसे निकालेंगे अभी ध्यान से देखो. ये है आपका ट्राइंगल ए ओ आई, ए ओ आई. तो AO तो पता ही है, ये सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल R, सर्कम रेडियस होता है ना. OI निकालना है मतलब ये साइड चाहिए होगा, और इस साइड के साथ क्या चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे क्या चाहिए होगा, इस साइड के साथ ये वाला एंगल चाहिए होगा. तो ये वाला एंगल तो अपन निकाल सकते हैं. ये टोटल एंगल से ये एंगल अगर घटा लेंगे तो ये आ जाएगा ना हमारे पास. तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, AI अगर आपका इन सेंटर है, एंगल ओ ए आई जो हो जाएगा वो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ए आई अगर आपका एंगुलर बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई टू, और माइनस अगर मैं इस एंगल का बात करूं, दैट इज मान लो यहां से एक और परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर रहा हूं ओ एफ, ठीक है ओ एफ है मान लो. तो अब क्लियरली एक चीज समझ आता है ना कि अगर ये मेरा सर्कम सर्कल है, अगर ये मेरा सर्कम सर्कल है तो यहाँ पे अगर एंगल सी सबटेंड हो रहा है तो ये भी एग्जैक्टली एंगल सी होगा, बिकॉज सेंटर पे दो एंगल डबल एंगल सबटेंड होता है ना, और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये एंगल सी हो जाएगा. अगर ये एंगल सी है तो ये हो जाएगा 90 माइनस सी, ये हो गया 90 माइनस सी सही है क्या. तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अपन लिख सकते बहुत कुछ, ये आ जाएगा ए बाई टू प्लस सी, और माइनस 90 को लिख देते ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू. तो a by 2 कैंसिल, c माइनस b by 2 और माइनस c by 2, तो ये आ जाएगा c माइनस b डिवाइडेड by 2. क्लियर है, ये आ गया आपका एंगल OAI. तो ये एंगल का इंफॉर्मेशन भी मिल गया, और अभी हमें चाहिए बस साइड लेंथ AI. तो साइड लेंथ AI कैसे निकाल सकते हैं, साइड लेंथ AI कैसे निकाल सकते हैं, यहां से बोलो साइड लेंथ AI आराम से अपन इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ना साइड लेंथ AI. ये वाला देख लो, इस ट्राइंगल से साइड लेंथ ए आई निकाल सकते ना यूजिंग साइन रूल. बिकॉज अगर मैं ये ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं यूज कर रहा हूं ए आई बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड लेंथ क्या हो जाएगा आपका, ये हमारे को निकालना है ना. ये साइड लेंथ पूरा पूरा ए बी का वैल्यू सी है हमें पता है, और ये एंगल भी हमें मालूम पड़ रहा है. ये एंगल हमारे को एग्जैक्टली क्या पता चल रहा है बोलो तो, ये एंगल हमारे को मालूम पड़ रहा है जो वो हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पूरा पूरा आपका a बाई टू, ये एंगल हो जाएगा पूरा पूरा b बाई टू, ठीक है. तो a बाई टू का ऑपोजिट साइड, b बाई टू का ऑपोजिट साइड, और ये एंगल कितना, ये एंगल निकाल भी सकते हैं आराम से. तो bi और ai, ठीक है, तो ai ai और b बाई टू लेंगे, और ये एंगल और c लेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तेरा 180 माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, और ए बाई टू माइनस बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाई टू को लिख सकते हैं ना 90 माइनस सी बाई टू, ये आ जाएगा 90 प्लस सी बाई टू आ जाएगा,
सही बात है क्या? ये 90 प्लस सी बाई टू आ जाएगा। तो इस ट्राइंगल में अगर साइन रूल लगा देता हूँ तो आराम से ए आई का वैल्यू आ जाएगा ना, ए आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ बी बाई टू हो जाएगा, और इधर आ जाएगा सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 90 प्लस सी बाई टू। सही है क्या? ए आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी साइन बी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 90 प्लस सी बाई टू, ठीक है ना। तो साइन 90 प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, कॉस सी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया यहाँ से, तो ए आई का वैल्यू यहाँ से मिल गया है ना, ए आई आपको यहाँ से मिल गया, ये आर मिल गया, ये एंगल भी निकाल दिया, ठीक है। तो अभी बस इस ट्राइंगल में आप कोसाइन रूल अप्लाई करो, और कोसाइन रूल अप्लाई करके आप ओ आई का वैल्यू निकालो। कैलकुलेटिव है और अच्छा प्रॉब्लम भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज सोचना पड़ा, तो मैं बिल्कुल इसको एक सुपरस्टार क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। बट एज ये पता होता है ना, बट सारे जगह पढ़ाते भी नहीं है सब, ठीक है। बट एज ये पता होता है तो इतना इसको अच्छा क्वेश्चन रेट नहीं कर सकते, बिकॉज ये नोन है, ठीक है। मैं आंसर बता के दे रहा हूँ आपको, आप कीजिएगा कैलकुलेशन, करने के बाद आप निकालिएगा, है ना। आंसर है आपका, देखते हैं, आंसर है अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड मीन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर है क्या। तो जितने भी कंसेप्ट का जरूरत था मैंने करके दे दिया, अभी बस कोसाइन रूल लगा के सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, आप नोट करके रख दीजिएगा, पॉज करके, सिर्फ नोट करके रखना नहीं है, कंप्लीट आंसर तक निकाल के छोड़ना है, सही बात है, क्लियर है। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको होमवर्क पे दिया था। आगे बढ़ते, फाइंड द रेशियो कैपिटल आर बाई आर हुज साइड्स आर इन द रेशियो ए टू बी टू सी। तो ए को यहां से 4k मान लो, बी को मान लो 5k, और सी को मान लो 6k, ठीक है। तो ये तीनों मान करके डेल्टा अगर निकालता हूं मैं अंडर रूट फॉर्मूला से एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से अगर डेल्टा निकालता हूँ, तो ये चीज मेरे पास जो भी आएगा वो फंक्शन ऑफ के आएगा, इन टर्म्स ऑफ के आएगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, जानते हो डेल्टा आर इक्वल टू, एक फॉर्मूला था ना आर इक्वल टू ए बी सी बाई फोर डेल्टा, ठीक है। यहां से कैपिटल आर को आप निकाल ही सकते हो ना, कैपिटल आर को आप निकाल ही सकते हो, कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4k इंटू 5k इंटू 6k डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा जो है वो भी फंक्शन ऑफ क्या आएगा, तो ये के टर्म्स में आ जाएगा। और स्मॉल आर हम कहां से निकालेंगे, स्मॉल आर का भी तो पता है ना, स्मॉल आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, डेल्टा लिख दो, एस लिख दो, सम ऑफ देम डिवाइडेड बाई 2, तो आर भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ के, फिर दोनों का रेशियो लिख देना, तो के कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। तो टेक्निक बता के दे रहा हूं, प्रॉब्लम आप करोगे, सही बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ आई ए टू आई बी टू आई सी, ये तो एकदम सिंपल है ना भाई, ये तो क्लास नोट्स में कराया हुआ चीज है, थ्योरी में ही करा दिया, ठीक है ना। इन सेंटर से ऑपोजिट वर्टेक्स का डिस्टेंस आई ए भी पता है, आई बी भी पता है, आई सी भी पता है, तो तीनों को लिख दो, आर 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 कैंसिल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका वही था ना, कॉसेक ए बाई टू इज टू कॉसेक बी बाई टू इज टू कॉसेक सी बाई टू, ये पता है, ये आराम से हो जाएगा, सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने ऊपर करा दी, ये सारे के सारे होमवर्क है, ठीक है। ये मैंने से आप उम्मीद मत करो कि मैं करके दूंगा, जो अच्छे सवाल है वो बराबर से मैं करके दे रहा हूँ, अभी तक ऐसे 5 क्वेश्चन मिला है जो अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं फुल एफर्ट लगा के करा के दे रहा हूँ। ये सब रद्दी सवाल है, ये सब आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट ऑफ द फीट ऑफ द एल्टीट्यूड एंड प्रूव दैट दिस, इसमें भी क्या है, एलिमेंट फीट ऑफ एल्टीट्यूड मतलब पैटर्न ट्राइंगल आएगा, ठीक है ना भाई, पैटर्न ट्राइंगल का कंसेप्ट होगा, एलिमेंट फिट ऑफ एल्टीट्यूड है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, और एलिमेंट हो जाएगा फिट ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। ये हो जाएगा एल एम एन, ये होगा एक पैडल ट्राइंगल, साइन ऑफ एंगल एम एल एन, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये तीनों के तीनों एंगल आपको पता है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोल के देना चाहिए था, वही मिसिंग है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस 2a प्लस साइन ऑफ 180 माइनस 2b, ये सब पता है, ये सब मैं क्या करूं, तो ये साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c आ जाएगा, जो 4 साइन है साइन b साइन c हो जाएगा, क्या बोलूं, बोलो, एकदम रद्दी सवाल है। abc इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल विद सर्कमसेंटर o एंड ऑर्थो सेंटर h, ठीक है, ao और ah इक्वल दिया हुआ है। abc एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सर्कमसेंटर है o और ऑर्थो सेंटर है h, तो इसको ऑर्थो सेंटर पहले बनाते इधर और सर्कम सेंटर इधर बनाते, तो AO और AH इक्वल दिया हुआ, तो एंगल A निकालना है, AO और AH इक्वल है तो एंगल A निकालो,
कैसे निकाल दूं भाई, ये वही डिस्टेंस तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में निकालने के लिए दिया था, वो अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट वन माइनस एट कॉस ए, याद है ना, कॉस बी कॉस सी, वही चीज। बट इससे तो कोई रिलेशन नहीं है इस सवाल का, हमारे को एओ और एएच इक्वल बोला, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा एग्जैक्टली, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अभी ये है सर्कम सेंटर, मतलब यहां से परपेंडिकुलर गिरेगा, और ये तो पूरा पूरा एल्टीट्यूड ही होगा, ठीक है, और ये इसको बाइसेक भी कर देगा। चलो यहां से कुछ समझ आ रहा है क्या आपको, समझ के भी तो फायदा नहीं है ना, समझ आने से भी क्या दिक्कत है, पता नहीं यार यहाँ पे क्या सोचा है, मेरा तो पढ़ नहीं पड़ रहा है, क्या सोचा जाए। AO इक्वल टू AH तो एंगल A निकालना है, ये हैवी ज्योमेट्री है, सोचना पड़ेगा और क्या करेंगे, कोई रास्ता तो है नहीं, ट्रायंगल सही सही बनाते तो अपना आप ही चीजें दिखना शुरू हो जाएगा। एंगल ट्रायंगल एबीसी हो गया, जो कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो एल्टीट्यूड है AD, ये पॉइंट देने का कोई जरूरत नहीं है, इसके ऊपर ही हो जाएगा H, और ये मान लो O है, तो इस इधर ही आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बन सकते हैं, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये O है तो ये OH हो जाएगा, तो AO और AH इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या किया जाए, एंगुलर बाइसेक्टर का तो कोई कंसेप्ट नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल्टीट्यूड का कंसेप्ट आएगा। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर बोले तो हम सर्कल को बना ही देते हैं, कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगा सर्कल से, सर्कम सर्कल तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ना। ये अगर एंगल सी है, ये अगर एंगल सी है तो कुछ एंगल तो डायरेक्टली पता चल जाएगा ना, ठीक है, ये अगर एंगल सी है तो, या फिर अगर मैं इसको भी ज्वाइन करता हूँ, है ना, ये अगर एंगल बी है, ये एंगल भी बी होगा, आप जानते हो ये भी एंगल बी होगा, सही बात है ना। सिमिलरली अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल भी ए होगा, आप जानते हो ये एंगल भी ए होगा, सही है क्या, इतना तो पता ही है। तो आगे अगर मैं सोचूं तो क्या सोच सकता हूँ यहाँ से ज्यादा और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, और तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये तो मुश्किल है। डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हो ना, डायरेक्टली ये दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दो ना, ये दोनों डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है ना कि ऑर्थो सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूला देख लेते रुको, ये दोनों फॉर्मूला अगर पता है तो डायरेक्टली दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर से ये तो डिस्टेंस आर हो जाएगा, और ये सर्कम ऑर्थो सेंटर से ए का डिस्टेंस हो जाएगा आपका ट्वाइस आर कॉस ए, तो डायरेक्टली आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर कॉस ए हो जाएगा, यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई थ्री, तो डायरेक्टली आ गया, समझ में आ जाएगा। बट अगर आप ज्योमेट्री के लिए सोचना चाहते हो, अगर आपको ये नहीं पता होता है कि ए से एच का डिस्टेंस ट्वाइस आर कॉस ए है, तो कितना खतरनाक सवाल बन जाएगा आपके लिए सोचो, और उतना ही मेहनत हमने किया था जब आप ए से एच का डिस्टेंस निकाले थे, दैट इज ट्वाइस आर कॉस ए, क्लियर है क्या, समझ आ रहा है। तो बहुत ही अच्छे से ये सब फॉर्मूले को अप्लाई करना जरूरी है, ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बट फिर भी ट्रिकी है थोड़ा सा, इसीलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और उसमें डी ई एफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ है फिट ऑफ एल्टीट्यूड्स, दैट इज अगेन पटेल ट्राइंगल कंसेप्ट आ रहा है, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये बन गया अपना पटेल ट्राइंगल, ठीक है। तो साइन ए का वैल्यू 3/5 है और बी सी दैट इज ए इज इक्वल टू 39, तो ए एच निकालना है, ए एच क्या हो जाएगा ये वाला ना, तो ए एच तो अभी अभी हमने निकाले थे ना फॉर्मूला, अरे यार ये क्या है, ये तो अभी अभी फॉर्मूला निकाले थे ना, ए एच का ट्वाइस आर कॉस ए होता है, सही है क्या,
तो ट्वाइस आर को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस आर को हम इन टर्म्स ऑफ ए लिख सकते हैं ना, ट्वाइस आर इक्वल टू ए बाई साइन ए, और ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, दैट इज ये कितना आएगा, ए कॉट ए आ जाएगा, तो ए का वैल्यू तो 39 दिया ही है, और साइन ए से आप क्या निकाल दो, कॉट ए निकाल दो, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, क्लियर है, तो सिंपल सवाल है ये सर, फॉर्मूले अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जो बेसिक थ्योरी पोर्शन है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो और किसी चीज का कोई जरूरत है ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन, चलिए, द लेंथ ऑफ द मीडियन तो एक्यूट एंगल्स ऑफ आवर राइट एंगल ट्रायंगल इज आर 3 and 4, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन का लेंथ दिया हुआ है, मीडियन का लेंथ दिया हुआ है एडी और मान लो बीई, इन दोनों का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल्स ऑफ ए, थ्रो द एक्यूट एंगल, सही है, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, इस एंगल थ्रो द एक्यूट एंगल्स, मीडियम जो चाहिए वो थ्रो द एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो मीडियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक आपका मान लो इसको अपन ऐसे बोल देते हैं एबीसी, तो ये एक सीडी हो जाएगा और एक ये आपका एई हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का लेंथ दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तो मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है ना, अगर मैं इस कंप्लीट चीज को मैं अगर ए बोलता हूं तो ये हो जाएगा ए बाई टू ए बाई टू, और इस कंप्लीट चीज को अगर सी बोलता हूं तो ये सी बाई टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी, तो एक फॉर्मूला तो ऐसे ही वैलिड हो रहा है पाइथागोरस, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दो रिलेशन कहां से निकालो, लेंथ ऑफ मीडियम का फॉर्मूला लगाओगे क्या, लेंथ ऑफ मीडियम का अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ ऑफ मीडियम का फॉर्मूला क्या है, वही तो मेरे को याद नहीं है यार, देखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ मीडियम का फॉर्मूला क्या था भाई, लेंथ ऑफ मीडियम हाफ इंटू अंडर रूट ऑफ 2b² + 2c² - a² = 3 होगा, और दूसरा लेंथ मान लेते हैं, अच्छा यहाँ पे कौन सा लेंथ निकाल रहे हैं हम, कौन सा लेंथ निकाल रहे हैं, देखो तो एग्जैक्टली जो AD है वो निकाल रहे हैं हम, जो AD है वो निकाल रहे हैं, और जो CE के तरफ CF के तरह काम करेगा वो निकाल रहे हैं, दैट इज एक और लेंथ है हाफ इंटू 2a² + 2b² - c², ठीक है ना, सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा आपका वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू मिल जाएगा, है ना, एबीसी का वैल्यू आ जाएगा, अगर स्मॉल एबीसी पता चल गया तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऐसे ही कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, ठीक है ना, और अगर आप लेंथ ऑफ द मीडियन का फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हो तो आप एक और चीज यूज कर सकते हो, एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे यूज कर सकते हो, एपोलोनियस थ्योरम लगा देना, ठीक है, ab² + ac² = ½ into ad² + bd² हो जाता है, ठीक है, तो ये भी लगा के भी आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा खास करके इस सवाल में, तो मीडियन का लेंथ का जब भी सवाल आएगा या तो आप एपोलोनियस से सोचो, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कम हो सकता है, अदरवाइज आप डायरेक्टली मीडियन का लेंथ का फॉर्मूला से सोचो, हो जाएगा, क्लियर है, तो चलो सफिशियंट प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व, अच्छा इसका आंसर बता देते हैं आपको, है ना, इसका आंसर है मेरे पास, आंसर इज योर 4/3√11, आंसर इज 4/3√11 विच इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्लियर है क्या, तो चलो हो गया हमारा सर्कम सर्कल वाला टॉपिक खत्म हो गया, अभी हमारा जो रिमेनिंग छोटे मोटे टॉपिक्स बाकी है उन सबको देख लेते हैं तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए अभी और कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, हमारे एक्सेप्शन में कुछ टॉपिक है, सबसे पहले एम एन कॉटेंजेंट थ्योरम, ठीक है, तो ये खास इतना ज्यादा तो इसका एप्लीकेशन वगैरह है नहीं, बट फिर भी पढ़ा देता हूँ, फिर बोलोगे सर नहीं पढ़ा है, पढ़ लेना, याद रखना, ये प्रूफ वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट फिर भी देख लेते हैं गलत, है ना, फील आ जाता है पूरा, लेट डी बी ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, ठीक है, लेट डी बी ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, मान लिया डी कोई भी पॉइंट है, सच दैट बी डी इज टू सी डी इज एम इज टू एन,
एम इज टू एन एंड एंगल एबीसी जो दिया गया है वो थीटा है, बीएडी अल्फा है और सीएडी बीटा है। अगर ऐसा है तो ये दोनों रिलेशन बिल्कुल ट्रू है, कॉट थीटा के टर्म्स में रिलेशन है, इसीलिए इसको कोटेंजेंट थ्योरम बोला जाता है। सही बात है। प्रूफ कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं एक बार। सिंपल सा लॉजिक है, आप जानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, साइन रूल लगा दीजिए यहाँ पे, ये एंगल पता है, ये एंगल ऑब्वियसली पता चल जाएगा, पाई माइनस थीटा, साइन रूल दोनों जगह पे लगा दीजिए। क्या आता है देखिएगा जरा, अगर मैं ट्राइंगल एबीडी पे साइन रूल लगा देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, सी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू बीडी डिवाइडेड बाई एम, मत लिख दीजिएगा, BD का लेंथ M नहीं है, BD is to CD का वैल्यू M is to N है, तो BD का वैल्यू M times of some constant K हो जाएगा, तो इसको M मत लिख दीजिएगा, इसको BD ही लिखिए, ये गलती हो जाता है बच्चों से, ये sin alpha हो जाता है। तो from triangle ACD अपन क्या लिख सकते हैं, ACD से लिख सकते हैं CD upon sin beta is clearly B upon sin theta, सही बात है क्या? अभी divide कर दो, तो cancel out हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा चीजें, तो 1/2 अगर कर देते हैं तो यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, बोलिए, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा और बी डी बाई सी डी क्या हो जाएगा, एम बाई एन हो जाएगा ना, तो यहां पे एम रख देते, यहां पे एन रख देते और इधर क्या आ जाएगा, ये तो साइन पाई माइनस थीटा है तो साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सी बाई बी बचेगा यहां पर, सही बात है क्या, सी बाई बी तो बचेगा ना, और कुछ बचेगा क्या, ये तो साइन थीटा ही होगा ना, तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये सी बाई बी आ गया। अभी सी को क्या लिख सकते हैं अपन, सी को क्या लिख सकते हैं बोलिए, हमें थीटा चाहिए ना, पर थीटा तो कैंसिल आउट हो गया, बट रिलेशन में तो हमें थीटा चाहिए, फिर यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे को थीटा मिलने का संभावना तो बनता है, बनता ही नहीं बनता है, बनता है ना भाई, कैसे निकालेंगे हम थीटा, सी बाई बी, सी अपॉन बी, तो सी बाई बी अगर अपन देखते भी है तब तो ये साइन बी और सी के फॉर्मेट में आएगा, बट बी और सी को थीटा के साथ कैसे रिलेट करोगे, यही आपका कला है जो आपको करना चाहिए। एग्जैक्टली साइन पाई माइनस थीटा है ना, ये तो साइन थीटा हो जाएगा, सही है, साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं खास ऐसा। बाकी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आ गया आपका m sin बीटा और m sin अल्फा, cos बीटा cot अल्फा पे जाना है ना आपको, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, एग्जैक्टली सोचो कि m sin बीटा और c by b है, c को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो कि b sin b is equal to हो जाता है c by sin c, तो c by b हो जाएगा sin c by sin b, sin c by sin b ये भी लिख सकते हैं अपन, और sin c को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से sin c को लिख सकते हैं pi minus of beta plus theta, और sin b को क्या लिख सकते हैं, sin b को लिख सकते हैं pi minus of या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं ना, क्योंकि थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बी बी हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, तो ये क्या आ गया साइन 180 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस अल्फा हो गया, सही है, और इधर आ गया एम साइन बीटा डिवाइडेड बाई एम साइन अल्फा। अभी अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेंगे, इसको ब्रेक कर दो पहले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सिंप्लीफाई करो, आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ये मैं आपके ऊपर दे रहा हूँ, आप कीजिएगा, होमवर्क में डाल रहा हूँ, पहला वाला तो कर ही दे दिया लगभग, और सेकंड वाला भी कीजिएगा, ठीक है, खास करके इस प्रोफाइल में प्रूफ का इतना जरूरत है नहीं, बट फिर भी आप कीजिएगा, मैं चेक करूंगा। सर्कम रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इन रेडियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। बोले सर इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल जब पढ़ा रहा था पार्ट टू, उसमें एक रिलेशन बताया था जो एएफजीएम की मदद से प्रूफ करते, cos a plus cos b plus cos c is less than equal to 3 by 2, याद है ये वाला, अपन वो जैनसन थ्योरम से प्रूफ करते, जैनसन इनइक्वालिटी, क्लियर है,
ये cos a plus cos b plus cos c अगर less than equal to 3 by 2 है तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं? cos a plus cos b plus cos c को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? इसको अपन 1 plus 4 times of sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2 लिख सकते हैं। ये trigonometric identity में आपको पढ़ाया गया है। तो ये 3 by 2 उधर चला जाएगा तो half हो जाएगा, नीचे अगर 4 चला जाएगा तो 1 by 8 हो जाएगा, सही है क्या? ये साइन ए बाई टू या फिर रहने दीजिए 4 साइन ए बाई टू, 4 साइन बी बाई टू और 4 साइन सी बाई टू लेस देन इक्वल टू हाफ हो गया। अब ये किसका वैल्यू था याद है? स्मॉल आर इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर इंटू साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। तो ये क्या हो गया? ये स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर हो गया ना, ये रेशियो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर लेस देन इक्वल टू हाफ हो गया। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि कैपिटल आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस आर हो जाएगा। ठीक है, ये सब रिलेशन याद रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद भी होता है, आगे जाकर के फायदा भी बहुत ज्यादा होता है ये सब याद रखने से। सही बात है, क्लियर? कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मदद होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकाले? वही थॉट जिस थॉट से एग्जैक्टली अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किए कि एक क्वाड्रिलेटरल को अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दो अकॉर्डिंगली सोचो प्रॉपरली। ये मान लो कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, ये दोनों डायगोनल हो जाएगा और ये दोनों को दोनों डायगोनल मैंने मान लो कंसीडर कर लिया कि पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स इज अल्फा। इसको ए बी को क्या मानते हैं? सी मानते हैं। इसको या फिर चलो ए बी को मान लो ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पे चार साइड आएगा ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपन कैसे निकाल सकते हैं? क्लियर है? तो सिंपल सा चीज है, एरिया ऑफ ए बी सी डी इसको आप चार ट्राइंगल में ब्रेक कर दो ना, एरिया ऑफ ए डी पी प्लस एरिया ऑफ सी डी पी प्लस एरिया ऑफ ए बी पी प्लस एरिया ऑफ बी सी पी। क्लियर है? एरिया ऑफ ए डी पी क्या हो जाएगा दोस्त? ए डी पी का एरिया क्या हो जाएगा, है ना? ये दोनों साइड लो क्योंकि इंक्लूडेड एंगल अल्फा है ना, अल्फा को तो यूज करना पड़ेगा। अगर मैं ये दोनों या फिर ये दोनों साइड लेता हूं तो ये एंगल का कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए पी इंटू डी पी इंटू साइन अल्फा। पता ही है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू साइड्स इंटू इंक्लूडेड एंगल, साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द टू साइड्स प्लस एरिया ऑफ सीडीपी कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सीडीपी हो जाएगा तेरा हाफ इंटू सीपी इंटू डीपी इंटू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा। ऑब्वियसली ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ये भी हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। फिर आगे अगर मैं बात करूं तो हाफ इंटू एपी इंटू बीपी इंटू साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा आएगा और इधर आ जाएगा हाफ इंटू सी पी इंटू बी पी इंटू साइन अल्फा। सही बात है, तो साइन पाई माइनस अल्फा यहाँ पे साइन अल्फा ही हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो हाफ डी पी साइन अल्फा कॉमन जा रहा है, हाफ डी पी साइन अल्फा कॉमन जा रहा है और अंदर में एपी प्लस सी पी कितना आएगा? ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या कॉमन जा रहा है? हाफ डी पी साइन अल्फा कॉमन जा रहा है और अंदर आ जाएगा एपी प्लस सी पी, एपी प्लस सी पी कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। बराबर, तो अभी हाफ ए सी साइन अल्फा कॉमन आ रहा है ना, हाफ ए सी साइन अल्फा कॉमन आ रहा है तो डीपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा। तो ये क्या निकल करके आया? हाफ इंटू ए सी इंटू बीडी इंटू साइन अल्फा, दैट इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, दैट इज अल्फा, इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, दैट इज अल्फा। वही लिखा गया है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला बिटवीन डायगोनल्स। सही है क्या? इसीलिए तो रोम्बस का फॉर्मूला में हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आ जाता है, बिकॉज रोम्बस में डायगोनल्स के बीच का एंगल क्या हो जाता है? 90 डिग्री, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल आ जाता है। सही बात है क्या? क्लियर है? साइन 90 तो वन हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ये कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला है। सही बात है, क्लियर? आगे बढ़ते चलिए, एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ साइड एंड
sum of opposite angles and sum of opposite angles. देखो in terms of side that is ABCD. ABCD के terms में आया है ये formula A B C D और S के अंदर क्या होगा? Semi perimeter that is A plus B plus C plus D by 2. A plus B plus C plus D by 2. ठीक है? और यहाँ पे एक और एंगल अल्फा आया ना, जहां पे ट्वाइस अल्फा का वैल्यू ए प्लस सी है, दैट इज अल्फा का वैल्यू ए प्लस सी बाई टू है. तो अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, अल्फा अगर ना लिख करके एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई टू लिखूं तो और बेहतर है. तो एग्जैक्टली पता चलता है ये इन टर्म्स ऑफ साइड एंड सम ऑफ ऑपोजिट एंगल. दैट इज अगर मेरे को डायगोनल का इन्फॉर्मेशन ना दे करके चारों के चारों साइड लेंथ दे देता है और इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम देता है, ठीक है ना, तो आराम से अपन जो है या फिर इंक्लूडेड एंगल दो या तो ऑपोजिट दो एंगल का समीशन दे दो. ठीक है, तो अगर आप ऑपोजिट दो एंगल का समीशन दे दोगे तो भी चलेगा. अगर आप ऑपोजिट दो एंगल का समीशन ना दे करके डायरेक्टली आप इंक्लूडेड एंगल दे दोगे तो भी चलेगा. बिकॉज ए प्लस सी अगर आपने दे दिए तो भी मैं अल्फा निकाल दूंगा, और अल्फा दे दिए तो ए प्लस सी निकाल दूंगा, बिकॉज ए प्लस सी इज इक्वल टू वाइस अल्फा. सही बात है क्या? क्लियर है? तो इसका प्रूफ का और जरूरत तो ये बहुत ही गंदा प्रूफ है, मैं होमवर्क देकर के देता हूँ, अगर आपका इच्छा है आप कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है क्या? अभी अगर एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात करूं तो आप जानते हो कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बन जाता है, दैट इज इसका चारों वर्टिसेस एक सर्कल के ऊपर आ जाएगा, तो ऑपोजिट एंगल का समेशन पाई हो जाएगा. तो अगर ए प्लस सी की जगह पे अगर मैं पाई डाल देता हूं तो ये पाई बाई टू होकर ये टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू जीरो हो जाता है, तो एरिया क्या बचेगा? सिर्फ ए ही बचेगा. क्लियर है, समझ आ रहा है? ठीक है ना, और ये एक और रिलेशन है, अगर आप चाहते हो तो याद करो, ये भी एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फॉर्मूला है, अगर आप चाहते हो तो याद करो. सही बात है, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू साइन बी. तो जो भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद जरूर रख लेना, ठीक है, काम आएगा कैलकुलेशन में. बट प्रूफ अगर करना चाहते हो तो करो, होमवर्क दे करके दे रहा हूँ, ये तो मैंने बता ही दिया, यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा. और ये अगर प्रूफ करना चाहते हो तो करो, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है और अननेसेसरी है. ठीक है, सॉलिमिस थ्योरम आप 10th में ऑलरेडी पढ़ के आए, ठीक है ना. प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट रेक्टेंगल कंटेंट टू इक्वल होता है, दैट इज एसी इनटू बीडी मस्ट बी इक्वल टू एबी इनटू सीडी, दैट इज योर ऑपोजिट साइड का प्रोडक्ट प्लस बीसी इनटू एडी. क्लियर है क्या? ये भी होमवर्क देके दे रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस कांसेप्ट प्रूफ कीजिएगा. अभी ऐसा नहीं कि 10th का बुक खोल के सीधा सीधा कर दिया, नहीं, मैं कॉम्प्रिहेंसिव से करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं विद द हेल्प ऑफ एसओटी आपको करने के लिए बोल रहा हूं. क्लियर है क्या? सही बात है. एक और प्रॉपर्टी है, इफ द सम ऑफ ऑपोजिट sides of a quadrilateral is equal, then and only then a circle can be inscribed in a quadrilateral. एक सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कब कर सकते हैं, इसका कंडीशन क्या है वो निकालने के लिए बोला है. ठीक है ना, तो अगर मैं बोल देता हूं ये ए बी सी डी है, सही है, और मान लो ये पी है, ये क्यू है जहां पे टच किया है, या आर है, ये एस है, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ रहा है ना कि एपी और ए एस इक्वल है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है. ठीक है, तो अगर मैं यहां से ए बी प्लस सी डी ऑपोजिट एंगल का समीशन निकालने का कोशिश करूं, दैट इज ए बी प्लस सी डी अगर निकालने का कोशिश करूं तो ए बी प्लस सी डी किसमें ब्रेक हो जाएगा? ए पी प्लस बी पी, और सी डी हो जाएगा आपका सी आर प्लस डी आर पे ब्रेक. तो AD किसके AP किसके इक्वल हो जाएगा दोस्त? AP हो जाएगा AS के इक्वल, BP हो जाएगा BQ के इक्वल, और CR हो जाएगा CQ के इक्वल, और DR हो जाएगा DS के इक्वल. ठीक है, तो AS और DS मिलकर के बना देगा AD, और BQ और CQ मिलकर के बना देगा BC. दैट इज अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल में इंस्क्राइब करता हूं तो डेफिनेटली ऑपोजिट साइड्स का समीशन इक्वल होगा, लेंथ का समीशन इक्वल होगा, दैट इज AB + CD मस्ट बी इक्वल टू AD + BC. ठीक है, if the sum of opposite sides of a quadrilateral is equal, then and only then a circle can be inscribed in a quadrilateral. And vice versa भी true है, converse भी true है, ठीक है? और अगर sum of opposite sides equal हो जाता है, तो अपन एक circle को inscribe भी कर सकते हैं. Clear है क्या? समझ आ रहा है मेरी बात? Clear है? तो ये याद रखना बहुत important condition है कि किस condition के ऊपर base करके अपन एक quadrilateral के अंदर एक circle को inscribe कर सकते हैं. Clear है? सही बात है. आगे बढ़ते चलिए. आगे बढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी, रेगुलर पॉलीगन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझो. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी जो मैंने होमवर्क में दिया वो आप पढ़ लीजिएगा लेकिन. हाँ भाई, ठीक है, चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से स्टडी करें. रेगुलर पॉलीगन का कंसेप्ट सही है क्या?
रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विच हैज इक्वल साइड्स एज वेल एज इक्वल एंगल्स, सही बात है क्या? तो साइड लेंथ अगर इक्वल हो जाता है, सारे के सारे साइड लेंथ अगर इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, तो ये रेगुलर होगा, और सारे के सारे एंगल्स भी अगर इक्वल हो जाते तो भी ये रेगुलर होगा, ठीक है। तो इस फिगर को ही हम रेगुलर बोलते हैं। जैसे क्वाड्रिलेटरल में कौन सा रेगुलर फिगर होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, स्क्वायर को बोलते हैं, सारे साइड भी इक्वल है, सारे एंगल भी इक्वल है। ट्राइंगल में किसको बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल को रेगुलर ट्राइंगल बोलते, सही बात है ना। पेंटागन भी क्या होगा, पांचों साइड इक्वल होगा और पांचों एंगल्स भी इक्वल होगा, अगर पांचों एंगल्स इक्वल हो जाता है तो ये रेगुलर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो बेसिकली रेगुलर पॉलीगन वही पॉलीगन होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो क्या है, इन एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड सम ऑफ इंटरनल एंगल इज एन माइनस टू पाई, बिल्कुल सही है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये कैसे निकलता है, ये n माइनस टू इंटू पाई से निकलता है, सही बात है क्या, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो ये n माइनस टू इंटू पाई का लॉजिक क्या है कि 3 पुट करके देखो, 3 माइनस टू इंटू पाई 180 आ रहा है, 4 पुट करके देखो तो ये कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है ना, 4 माइनस टू 2 पाई दैट इज 360 डिग्री, 5 पुट करके देखो तो 3 पाई आएगा दैट इज ये 540 डिग्री आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, समझ आ रहा है ना मेरी बात। बस उसी तरीके से अपने को ध्यान से समझते चलना है चीजों को और करते जाना है, सही बात है क्या, क्लियर है। चलिए अभी अगर मैं रेगुलर पेंटागन की बात करूं तो ईच एंगल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ना, क्योंकि पांचों के पांचों एंगल इक्वल है और उनका सबका समेशन 540 होगा, तो ईच एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन अगर साइड एन है, एन साइडेड पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का अगर मैं बात करूं तो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का टोटल इंटरनल एंगल दैट इज सारे के सारे इंटरनल एंगल, जितने भी एंगल होगा इन सारे एंगल्स के समीशन जो है वो क्या हो जाएगा, n माइनस टू इंटू पाई। और अगर मेरे को ईच एंगल आप निकालने के लिए बोले, ईच एंगल तो भी मैं निकाल सकता हूँ, ईच एंगल क्या हो जाएगा, ईच एंगल शुड बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ साइड्स दैट इज n माइनस टू इंटू पाई को अगर टोटल नंबर ऑफ साइड दैट इज n से डिवाइड कर देंगे तो ईच एंगल आ जाएगा, मतलब इसका मेजरमेंट इसका मेजरमेंट, क्योंकि सारे के सारे तो इक्वल ही होगा ना। अगर सारे के सारे x है तो x plus x plus x up to n times that is n into x का वैल्यू हो जाएगा n minus 2 pi, तो each angle x का वैल्यू क्या हो जाएगा n से डिवाइड कर, सही है, क्लियर है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा, सही बात है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब, ठीक है ना, ये सब याद रखना जरूरी है ना। एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर ना सर्कम सेंटर और इन सेंटर इक्वल होता है, याद रखना, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है देखो जरा ध्यान से, रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड एरिया पेरिमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स विच ईच साइड लेंथ ए, ठीक है। तो इसको मैं डिराइव कर रहा हूं, अच्छे से जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक रेगुलर पॉलीगन कंसिडर कर रहा हूं इस तरीके से, मान लो ये चल रहा है, आगे भी चल रहा है, ऐसे डॉटेड देके छोड़ देता हूं, ठीक है, एन साइड है तो मैं कहां तक लेके जाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये साइड लेंथ, ईच साइड लेंथ कितना दिया है, ए दिया है, सही बात है। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और यहां पे ये सेंटर है, ये क्या है, ये सेंटर ऑफ द रेगुलर पॉलीगन है, सेंटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने बोला है, रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। तो अगर मैं इस रेगुलर पॉलीगन के इंस्क्राइब कोई भी एक सर्कल बनाता हूं जो सारे साइड्स को किसी ना किसी पॉइंट पे टच करके चलता है, ठीक है, और अगर मैं एक सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाता हूं जो सारे वर्टिसेस के थ्रू पास होता है, तो दोनों का जो सेंटर होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, फील कर पा रहे हो, दोनों का सेंटर एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं कि इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन ए रेगुलर पॉलीगन, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स, सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स, याद रहेगी बात, इन ए रेगुलर पॉलीगन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर हमेशा कोइंसाइड करेगा, सही बात है क्या, क्लियर है। जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आप ले लेते हो, ठीक है ना, तो इसका जो इन सेंटर होगा
और इसका जो सर्कम सेंटर होगा वो दोनों के दोनों सेम होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका कैपिटल आर, ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर, ठीक है। ये एग्जैक्टली 30 डिग्री 30 डिग्री होगा, रेगुलर में आप ये प्रूफ भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंग्रुएंसी, तीन सेंटर और सर्कम सेंटर सेम होगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, एल्टीट्यूड जो होता है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही एंगुलर बाइसेक्टर होता है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, मतलब अगर ये इन सेंटर के थ्रू पास हो रहा है तो ये सर्कम सेंटर के थ्रू भी पास होगा, मतलब इन सेंटर सर्कम सेंटर सारे सेम पॉइंट हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो चीज होगा वही तो एग्जैक्टली रेगुलर पॉलीगन में होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर फिगर ही है, सही है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, चलो दूसरे पेन से बनाते, रेड से बना देते। यहां से ये जो डिस्टेंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल आर, दैट इज इन रेडियस, इन रेडियस। और ये जो डिस्टेंस अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, दैट इज सर्कम रेडियस, क्योंकि बाहर वाला सर्कल सर्कम सर्कल है ना। तो आपको क्या बोला है कि रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इन ए रेगुलर पॉलीगन। तो इस रेगुलर पॉलीगन का टोटल नंबर ऑफ साइड एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और ईच साइड लेंथ कितना है, ए है, ईच साइड लेंथ कितना है, ए है। तो इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर अगर मैं एक इन सर्कल बनाता हूं और एक सर्कम सर्कल बनाता हूं थ्रू वर्टिसेस एंड इन सर्कल टच कर रहा है साइड्स को, तो उन दोनों सर्कल का रेडियस निकालना है, ठीक है, दैट इज इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, आर और कैपिटल आर निकालना है, क्लियर। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, जरा ध्यान से सोचिए आप यहां पर, वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देख अगर मैं इस सर्कम सर्कल को कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये एक कॉर्ड की तरह ट्रीट हो रहा है ना, ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये तो कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल की तरह ट्रीट हो रहा है ना। अगर ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल है तो सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब ये तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज रेडियस तो हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना। ये कॉर्ड ऑफ ए सर्कम सर्कल भी हो सकता है या फिर टेंजेंट टू इन सर्कल भी हो सकता है। इन सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है बीसी, और सर्कम सर्कल के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है। तो अगर ये टेंजेंट बन जाता है तो ये 90 डिग्री होगा, और आप जानते हो कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर, सर्कम सर्कल की अगर बात करें तो किसी भी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से 90 डिग्री गिराने से ये बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली अगर मैं ए का वैल्यू का बात करूं तो ए हो जाएगा बीसी के इक्वल, और बीसी को अपन इसको डी बोल देते हैं, तो बीसी को अपन ट्वाइस ऑफ बीडी बोल सकते हैं ना, ट्वाइस ऑफ बीडी बोल सकते हैं बीसी को, सही बात है क्या, क्लियर है। अच्छा तो अभी आप ये भी जानते हो कि ये दोनों एंगल भी एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा, सही है। एंगल बी ओ सी कितना होगा बोलो, एंगल बी ओ सी कितना होगा बोलो, ठीक है। ये इसको निकालने के लिए थोड़ा सा बेसिक सोचो, ठीक है, ये कितना होता है स्क्वायर में, रेगुलर फिगर स्क्वायर में ये 90 90 90 90 होता है ना, ये 90 कैसे मिलता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई जितना साइड्स है उतना ही तो कर देते हैं ना, ठीक है। फिर अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो पेंटागन, रेगुलर पेंटागन में आपको क्या मिलेगा, ये सारे के सारे एंगल कितना मिलेगा जो सेंटर में सबटेंड कर रहा होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे चार साइड मिलकर के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे पांच साइड मिलकर के सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहा है, टोटल एंगल कितना है, एक चक्कर अगर घूमोगे तो टोटल एंगल कितना मिलेगा, 2π, ठीक है। तो n साइड्स मिलकर अगर 2π सबटेंड करेगा तो एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा, 2π/n, तो यहाँ पे एक साइड 2π/n, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 4 है, तो 2π/4 आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 2π/5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 72 डिग्री आ जाएगा, समझ आ रहा है ना। इस तरीके से अपन करेंगे तो टोटल सारे के सारे साइड्स मिल करके, इस एक अगर रेगुलर पॉलीगन है आपके पास n साइड वाला, तो सारे के सारे साइड मिल करके 2π एंगल सबटेंड करेगा, तो एक सिंगल साइड कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल क्या है, ये एंगल BOC है, एंगल सबटेंडेड बाई ए साइड, बाई ए साइड एट द सेंटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2π डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो अगर ये 2π डिवाइडेड बाई n होता है तो ये एंगल हो जाएगा π/n, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है, सही बात है ना। तो BD का वैल्यू अपन यहां से आराम से लिख सकते हैं कि BD हो जाएगा BD/R, BD का वैल्यू एक बार तो अपन बोल सकते हैं r स्मॉल r tan π/n, या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटल r sin π/n, सही है। तो यहां से हमारे को स्मॉल r मिल गया ना, स्मॉल r क्या आ गया, a cot π/n हो जाएगा स्मॉल r, और कैपिटल r का वैल्यू क्या हो जाएगा, a cosec π/n, ठीक है। तो एग्जैक्टली स्मॉल r और कैपिटल r हमने निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइड्स एंड लेंथ ऑफ ईच साइड के टर्म्स में, ये देखो दोनों फॉर्मूला आ गया,
क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हुआ, इस चीज को अच्छे से सारे पॉइंट्स को मैंने लिख के दिया, आप भी अच्छे से लिख के रखो कॉपी में, अगर लिख के नहीं रखोगे तो स्ट्रगल करोगे, सही बात है क्या? क्लियर, तो ये रेडी आई तो मिल गया हमारे को। अभी हमारे को क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर क्या हो जाएगा बोलो, पैरामीटर क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स, कितना साइड्स है, n साइड्स है, और एक साइड का लेंथ कितना है, a है, तो पैरामीटर हो जाएगा n into a, तो n into a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ r अगर लिखना चाहो तो r tan pi by n भी हो सकता है, या फिर n into capital R into sin pi by n भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ r अगर लिखना चाहो, इन टर्म्स ऑफ a अगर लिखना चाहो तब तो यही रहेगा फॉर्मूला, तो ये एक पॉइंट मिल गया, ये दूसरा पॉइंट मिल गया, हो गया ना भाई। अभी हमें क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और चाहिए हमें अगला पॉइंट क्या चाहिए, एरिया चाहिए, एरिया, एरिया चाहिए ना हमें, एरिया निकाल देते चल, एरिया क्या हो जाएगा बोल, एरिया क्या हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा तेरा ऐसे कितना ट्रायंगल होगा पूरा रेगुलर पॉलीगन के अंदर, अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं तो ऐसे कितना होता है, एक साइड एक ट्रायंगल बना रहा है, वैसे कितना, चार ट्रायंगल है ना, चार साइड है तो चार ट्रायंगल होगा, है ना, पेंटागन में देखो तो पांच ट्रायंगल आएगा ऐसे, ठीक है, जितना साइड है उतना ही ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पे एन साइड है तो एन इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी, समझ आ रहा है, तो एन इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा बीसी, और हाइट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो हाइट हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अभी बीसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बोल भाई, बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं ए, तो ये ए इंटू आर हो गया, इसका दो फॉर्मूला आ जाएगा ना, ए का वैल्यू एक बार मैं स्मॉल आर के टर्म में पुट कर सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए का वैल्यू अगर मैं स्मॉल आर के टर्म में पुट करूं तो आर टेन पाई बाई एन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एन आर स्क्वायर टेन पाई बाई एन, ठीक है। और दूसरी बार अगर मैं कैपिटल आर के टर्म्स में लिखूं तो ये हो जाएगा हाफ एन आर इंटू आर स्क्वायर ना होकर आर इंटू कैपिटल आर इंटू साइन पाई बाई एन, ये हो जाएगा, तो ये आ गया एरिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। और अगर ए के टर्म्स में पूछता है तो ए के टर्म्स में तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे भी तीनों फॉर्मूला, इधर भी पैरामीटर में भी तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और रेडीआई तो मैंने बता ही दिया है क्या है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आईटी सवाल पूछ चुका है बहुत पहले, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको पढ़ना चाहिए ये बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इसमें सारे डेरिवेशन वगैरह मैंने करके दे दिया है ना, सारे फॉर्मूले जो देखो वही था ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी मैच हुआ, मैच नहीं हुआ क्या, एन इंटू ए यहाँ पे ट्वाइस आर एन, ट्वाइस आर एन, ट्वाइस आर एन कहा जाएगा भाई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, एन इंटू इट्स साइड, साइड लेंथ होगा ना यहाँ से, अच्छा मैं, अरे यार मैं तो गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ पे मैं टू छोड़ दिया, ये देखो टू था ना यहाँ पे, टू छोड़ दिया, तो आर का वैल्यू यहाँ पे हाफ आ जाएगा, ठीक है ना, तो ए का वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे ए का वैल्यू जब मैं लिखने जाऊंगा तो ट्वाइस आर आएगा ना, हाँ ट्वाइस आर आएगा, ठीक है, हाफ हट जाएगा, हाफ हट गया, हाफ हट जाएगा ना, एन आर स्क्वायर टेन पाई बाई एन मैच हो गया बिल्कुल, ठीक है। और इधर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हाफ हटेगा क्या, यहाँ पे स्मॉल आर को डालोगे, ए को डालोगे इन टर्म्स ऑफ टू आर, है ना, तो ये हाफ हटेगा ना, यहाँ से भी तो हाफ हट जाएगा, तो ये एन इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर साइन पाई बाई एन, सही बात है ना। अच्छा ये फॉर्मूला बिल्कुल पूरा पूरा कैपिटल आर के टर्म्स में है, ये फॉर्मूला तो निकाल ही दिया हमने, ये फॉर्मूला तो प्रूफ कर ही दिया ना, ठीक है, ये भी निकाल दिए, ये भी निकाल दिए, सही है क्या, ये भी आ गया, चिंता की कोई बात नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला चाहिए। तो एन ए स्क्वायर बाई फोर कॉट पाई बाई एन, ये कैसे निकाले, यहाँ पे सिर्फ ए चाहिए, दैट इज स्मॉल आर का वैल्यू लिख दो इन टर्म्स ऑफ ए, आंसर आ जाएगा, तो ये एन बाई टू इंटू ए इंटू ए बाई टू कॉट पाई बाई एन हो जाएगा, तो एन ए स्क्वायर बाई फोर कॉट पाई बाई एन हो गया, ठीक है, पाई बाई एन हो गया। और यहाँ पे क्या चाहिए, ये कैपिटल आर के टर्म में चाहिए, दैट इज स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लिख दे, हो जाएगा, ठीक है। अभी स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल आर
कैपिटल आर के टर्म में फॉर्मूला कहां से पता चलेगा भाई? स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन ये कहां पे मिला था हमें? स्मॉल आर और कैपिटल आर, कोई बात नहीं, यहां से लिख सकते हैं आराम से, इस ट्राइंगल से लिख सकते हैं ना, R by capital R क्या हो जाएगा? Cos pi by n हो जाएगा ना, तो R by capital R हो जाएगा तेरा cos pi by n, तो यहाँ पे अगर डाल देगा cos pi by n, तो ये हो जाएगा R का वैल्यू हो जाएगा capital R into sin pi by n into cos pi by n आ जाएगा, सही है क्या? और यहाँ पे अगर मैं एक 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा nr square by 2 sin 2 pi by n, सही है, तो आराम से कन्वर्ट हो गया, ये देखो आ गया, जो यहाँ पे फॉर्मूला है वही याद रखने से काम चलेगा और बाकी सारे डेरिवेशन अपन ने कर दिया, सही बात है, क्लियर है? तो बढ़िया से ये सारी चीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये सब डेरिवेशन के साथ, बस दो चीज का डेरिवेशन नहीं बोला, अननेसेसरी है, एरिया ऑफ क्वाड्रेटल का सेकंड फॉर्मूला और एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटल का फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, अननेसेसरी अगर करना चाहते हो करो, मैं जूम की क्लास में आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है, बट अभी के लिए ये जरूरत नहीं है बिल्कुल, सही बात है, क्लियर है? तो चलो यहाँ तक हमारा सफिशियंट चीज कंप्लीट हो गया, थ्योरी ओवर है पूरे चैप्टर का, अभी इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा, सही है, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्पेशल केस पर डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, देखो अच्छा पहले इससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, देखो ये भी बहुत बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर ये जो थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया NMIS इनटू पाई वो आया कैसे? एग्जैक्टली सिंपल एकदम आप निकाल सकते हो, देखो अगर मैं सारे के सारे इंटरनल एंगल्स के समेशन की बात करूं तो ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल में अगर मैं डिवाइड कर दूं पूरा पॉलीगन को तो कितना कितना ट्राइंगल आएगा? एन ट्राइंगल आएगा, तो एन इंटू समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री, तो एन इंटू 180 डिग्री अगर मैं कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल आएगा, फिर ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, ये एंगल आएगा, तो ये मिल करके तो इंटरनल एंगल मिल रहा है, यहां से भी इंटरनल एंगल मिलेगा, यहां से भी इंटरनल एंगल मिलेगा, बट ये सारे एंगल्स जो आएगा एक्स्ट्रा ये तो एक्सेस में आएगा ना, तो इन सब के समेशन एंड ट्राइंगल्स में ऐसे टोटल जितने भी एंगल होगा ये सारे के सारे समेशन होकर के 360 होगा ना, तो इनको घटा दिया तो यहां से मेरे 180 कॉमन चला गया और अंदर आ गया एन माइनस टू, क्लियर? तो इस तरीके से अपन सिंपल इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जस्टिफाई करके भी समझ सकते हैं, क्लियर? तो मेन पार्ट जो है वो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आखिरी थ्योरी इस चीज पे मैं बातचीत कर लेता हूँ थोड़ा बहुत, कि कब ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी तक तो आईटी ने पूछा नहीं बट किसी भी वक्त वो पूछ सकता है ना, कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स होंगे किसी भी केस में, वो अगर आपको निकालने के लिए दिया गया है ना, एंगल्स और साइड्स का कोई भी डाटा देकर के अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने पॉसिबल होंगे इस डाटा के अकॉर्डिंग वो अगर आपको पूछा गया तो भी आपको निकालना आना चाहिए, और वो कैसे निकालते जरा ध्यान से देखो, एक केस लेकर के मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो मैंने cos b का फॉर्मूला ले लिया, ये कितना आ गया a² + c² - b² / 2ac, तो यहां से a² के टर्म्स में अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके मैंने यहां से ये चीज निकाल दिया, तो a का वैल्यू मेरे पास ये आया, और आप जानते हो कि व्हाट इज स्मॉल ए, स्मॉल ए इज योर साइड लेंथ, दैट इज स्मॉल ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है क्या? तो अभी अलग अलग केस में अपन बातचीत करते हैं, मान लो मैंने आपको बी सी और एंगल बी ये तीन डाटा दिया, मान लो क्योंकि आप जानते हो कि ये तीन डाटा देने से आप किसी भी चीज पे बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ट्राइंगल का 6 पैरामीटर होता है, 3 एंगल और 3 साइड, इन 6 में से कोई भी 3 पता चलने से रिमेनिंग 3 आप निकाल सकते हो यूजिंग साइन लो कोसाइन लो किसी भी चीज को यूज करके, तो अगर मेरे पास ऐसा कोई डाटा देता कि मान लो बी दे दिया, सी दे दिया और एंगल बी दे दिया, या फिर सेम चीज को आप दूसरे किसी फॉर्मेट में मान लो दो साइड और एक एंगल अगर दे देता है, और इस तरीके का रिलेशन अगर फिट बैठता है कि बी जो है यहाँ पे जो साइड लेंथ है और यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा साइड मतलब यहाँ पे जो साइड लेंथ है उसी के अपोजिट एंगल यहाँ पे होना पड़ेगा और यहाँ पे साइड होना पड़ेगा, दैट इज बी अगर सी साइड बी से छोटा है, मैं यहाँ पे बी सी या एंगल बी देकर के करा रहा हूँ, आप यहाँ पे ए सी एंगल ए या फिर ए सी एंगल सी देकर के भी कर सकते हो, अलग अलग बहुत सारे केसेस निकल जाएंगे, तो बेहतर ये ही है कि जो भी दिया गया है एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में उसको कंपेयर करने का कोशिश करो, है ना, रिलेट करने का कोशिश करो, मान लो आपको अगर ए का वैल्यू दे दिया 2, बी का वैल्यू दे दिया 3 और एंगल ए दे दिया, तो आप क्या चीज सेट करोगे, आप चेक करोगे क्या पता ए बी साइन ए से छोटा है या नहीं, ऐसे आप चेक करोगे, डायरेक्टली रिलेट करोगे, ठीक है, तो मैं ये स्पेसिफिक केस आपको बता देता हूँ, तो ये अगर समझ गए तो रिमेनिंग 1 भी आप निकाल सकते हो,
डायरेक्टली आप कोसाइन फॉर्मूला को सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो भी आता है अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेना। देखो अगर बी सी साइन बी से छोटा है तो क्या कोई ट्राइंगल पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज अगर बी साइन बी से छोटा है तो इन तीन डाटा के अकॉर्डिंग कोई ट्राइंगल पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर मैं ऐसा कोई डाटा आपको दे देता हूं इन सच ए वे दैट बी इज लेस देन सी साइन बी, तो कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा इन तीनों डाटा को सेट करने वाला। क्यों? बिकॉज अगर बी सी साइन बी से छोटा है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो ए का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा जो कि पॉसिबल होगा नहीं। इसीलिए नो ट्राइंगल इज पॉसिबल इन दिस केस। अभी चलते हैं कि b अगर c साइन b से इक्वल हो गया तो क्या होगा। अगर b c साइन b के इक्वल हो गया तो ये तो जीरो बन जाएगा और a by c इक्वल टू cos b हो जाएगा। अभी अगर b c साइन b से छोटा है तो पूरा पूरा चीज डिसाइडिंग फैक्टर कौन हो जाएगा? एंगल b। बिकॉज तब अगर एंगल b अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो cos b नेगेटिव हो जाएगा और cos b नेगेटिव मतलब a by c नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास a is equal to c cos b आएगा ना। तो cos b अगर नेगेटिव हो गया तो a का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इस केस में नो सच ट्राइंगल हो जाएगा। बट अगर b एक्यूट होता है तब आपके पास एग्जैक्टली तब आपके पास a by a equal to c into something positive quantity होगा, तो एग्जैक्टली वन ट्राइंगल पॉसिबल होगा। सही बात है, क्लियर है? तो इस तरीके से इस चीज को समझ के रखना, ठीक है ना, कि अगर b इक्वल टू c साइन b वाला डाटा आपको दिया जाता है और जहां पे b एक्यूट है तो एक ट्राइंगल पॉसिबल होगा, बट b ऑब्ट्यूज है तो कोई ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। सही बात है। आगे अगर अपन सोचते तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर b c साइन b से बड़ा है, अगर b c साइन b से बड़ा है तो ये रूट तो डिफाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अब की बार लफड़ा हो जाएगा यहाँ पे। क्या क्या लफड़ा होगा? कि अगर मान लो कि बी सी साइन बी से बड़ा है तो ये अंडर रूट तो डिफाइन हो रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। बट होगा क्या देखो, अभी ए को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना भाई, ए को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आपका बी, तब भी डिसाइडिंग फैक्टर एंगल बी ही होगा, अगर आपका बी एक्यूट एंगल हो गया तो सी कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव प्लस स्क्वायर रूट का वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ए डिफाइंड है। बट अगर बी ऑब्ट्यूज बाद में बात करते हैं, बट ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो डिफाइन हो रहा है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। बिकॉज अभी देखो अगर बी अगर एक्यूट एंगल हो गया तब तो सी कॉस भी पॉजिटिव और रूट वाला भी पॉजिटिव, तो दिस प्लस दिस वाला तो डिफाइन होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ट्राइंगल तो पॉसिबल होगा ही। अरे भाई समझना सिंपल सा, दिस प्लस दैट होकर के ए का एक पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू तो मिलेगा ना, तो एक ट्राइंगल तो कंफर्म हो गया। अभी दूसरा ट्राइंगल कब पॉसिबल होगा इस केस में? जब सी कॉस बी माइनस ऑफ दिस का आंसर भी पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज सी कॉस बी माइनस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस सी साइन बी का होल स्क्वेयर, ये क्वांटिटी जब आपको पॉजिटिव मिलेगा तभी अपन बोल सकते हैं कि सेकंड ए का वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एक और ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो इस यहां से क्या कंडीशन निकलता है जरा यहां से सॉल्व करके अपन देख लेते हैं, ठीक है ना, सही है। यहां से अगर स्क्वेयरिंग कर सकते बोथ साइड, बिकॉज इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, आप जानते हो, ठीक है। तो ये आराम से स्क्वेयरिंग कर दो तो ये सी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर भी आ जाएगा, ग्रेटर देन बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर भी आ जाएगा, इसको उधर भेज दो तो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर आ जाएगा, सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन बी स्क्वेयर। अगर सी स्क्वेयर ग्रेटर देन बी स्क्वेयर तो ऑब्वियसली सी ग्रेटर देन बी होगा। बोले सर कैसे? सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी ग्रेटर देन जीरो होगा ना भाई। अभी सी प्लस बी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि बी सी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू फैक्टर बिकम पॉजिटिव। तो सी माइनस बी को पॉजिटिव होने के लिए सी ग्रेटर देन बी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का एक और वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगा? जब सी ग्रेटर देन बी होगा। समझ आ रहा है? ये देखो प्रूफ करके दे दिया सी ग्रेटर देन बी, ठीक है। मतलब अगर सी स्मॉल सी का वैल्यू इस कंडीशन के साथ साथ बी एक्यूट हो जाता है और एक और कंडीशन ट्रू हो जाता है दैट इज सी ग्रेटर देन बी, तब हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि अंडर दिस दिस एंड दैट, ये तीन कंडीशन के अंडर पे ए का दो वैल्यू पॉसिबल हो जाएगा स्मॉल ए का, और स्मॉल ए का अगर दो वैल्यू पॉसिबल हो जाता है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना पॉसिबल होगा? टू ट्राइंगल्स पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? टू सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। और अगर सी बी से छोटा हो जाता है तब तो डिफरेंस जो है दैट इज सी कॉस बी माइनस ऑफ दिस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ए का सेकंड वाला वैल्यू मिलेगा नहीं, सिर्फ ए का फर्स्ट वाला वैल्यू मिलेगा, तो उस केस में सिर्फ आपके पास एक ही ट्राइंगल आएगा। क्लियर है ना? अभी लास्ट केस जो होगा वो क्या होगा कि अगर बी ऑब्ट्यूज हो गया तो क्या होगा? अगर बी ऑब्ट्यूज हो गया तो सी कॉस बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव,
ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता ना, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पूरा पूरा आंसर ही नेगेटिव आएगा ना भाई, पूरा अगर नेगेटिव आएगा तो ए का तो नेगेटिव वैल्यू हो ही सकता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो ए का सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, वो कौन सा, सी कॉस बी प्लस अंडर रूट दिस, और वो भी कब पॉसिबल होगा, वो भी कब, ये नोट कर लेना मैं इरेज कर रहा हूं, वो भी कब पॉसिबल होगा सोच के देख लो, वो भी कब पॉसिबल होगा, है ना, ए का सी कॉस बी माइनस, अगर बी ऑब्टूज हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव माइनस स्क्वायर रूट ये तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, बिकॉज ए पॉजिटिव है हमेशा। और दूसरा वैल्यू एक और है कि सी कॉस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये एग्जिस्ट, ये तो अभी आपके पास क्या है, ये आपके पास अभी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है ना, ये अगर पॉजिटिव हो गया तब एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव प्लस साइन है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये अगर नेगेटिव है ना तो ये अगर उस तरह जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सी कॉस बी तो बनेगा, सी कॉस बी बनेगा बट मॉड्यूलस साइन के साथ आएगा, ऑब्वियसली मॉड्यूलस साइन के साथ आएगा, समझो ना, यहाँ पे अगर इसका वैल्यू माइनस थ्री आता है जब इधर आएगा ये तो प्लस थ्री बनती तो आएगा ना, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लो तो समझ आ जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर क्यों कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी है, इरेशनल इनइक्वालिटी में सिखाया था कि इनइक्वालिटी में स्क्वेयरिंग कब होता है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव आता है, तो यहाँ से बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से क्लियरली समझ आएगा कि बी ग्रेटर देन सी, मतलब बी अगर ऑब्टूज होता है तो एक ही ट्राइंगल पॉसिबिलिटी, माइनस वाला ये वाला केस तो रिजेक्ट हो ही गया, एक का दो वैल्यू तो आ ही नहीं सकता, बचा था एक ही ऑप्शन, या तो एक ट्राइंगल या तो नो ट्राइंगल होगा, तो एक ट्राइंगल आ गया हमारे पास किस कंडीशन के ऊपर बेस करके, बी अगर सी से बड़ा होता है, और अगर बी सी से छोटा हो जाता है तब तो वो कंडीशन भी जाएगा हाथ से, दैट इज सी कॉस बी प्लस ऑफ अंडर रूट दिस वाला भी नेगेटिव हो जाएगा उस वक्त, तो तब आपके पास नो सच ट्राइंगल आ जाएगा, क्लियर, समझ आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप ध्यान से समझते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है इस चीज को पढ़ने के बाद, समझ आ रही है। और लास्ट वाला केस हो गया कि हमारा ट्राइंगल अगर राइट एंगल हो गया, अगर बी 90 डिग्री हो गया तो ये पार्ट तो आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और ये तो जीरो हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये डिफाइंड कब होगा, जब बी सी से बड़ा होगा, तो अगर बी सी से बड़ा है तो ओनली वन ट्राइंगल पॉसिबल है, अगर बी सी से छोटा या फिर इक्वल भी हो सकता है तो भी कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज अंडर रूट के अंदर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर बी सी छोटा है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, अगर इक्वल हो जाता है तो जीरो आ जाएगा, क्या आपका ए का वैल्यू कभी जीरो हो सकता है, साइड लेंथ कभी जीरो हो सकता है, नहीं, तो बी लेस देन इक्वल टू सी पूरा केस के लिए ही नो ट्राइंगल पॉसिबल होगा, क्लियर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो हमारा ये लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको अगर आप ध्यान से समझ गए ना दोस्त तो बहुत ही फायदा होता, क्लियर है, ये बेसिकली किसी जगह पे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है ना, वन साइड ए एंड बी सी आर गिवन, मान लो कभी भी आपको सिंगल एक साइड दे दिया और दो एंगल दे दिया, तो आप क्या करोगे, साइन रूल की मदद से रिमेनिंग टू साइड निकालोगे, और रिमेनिंग टू साइड निकालने के चक्कर में एंगल ए का जरूरत होगा, तो वो एंगल ए कैसे निकालेंगे, 180 माइनस बी प्लस सी करके निकालेंगे, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है, तो इस तरीके के थॉट रखना है, ठीक है ना, दिस इज ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, इतना दिन तक तो हमने बहुत कुछ स्टडी किया, बट दिस इज ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, समझ में आ रहा है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ताकि हम ट्राइंगल का छह पैरामीटर में से कुछ इंफॉर्मेशन अगर हमें दिया गया तो बाकी पैरामीटर्स के बारे में आइडिया लगा सके, वो हमारा मेन काम है। और नेक्स्ट वाला पार्ट है कि अगर एबीसी आर गिवन वी कैन फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स स्मॉल एबीसी बाय यूजिंग साइन रूल, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सिमिलर ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज ए बाई साइन इक्वल टू बी बाई साइन इक्वल टू सी बाई साइन इक्वल टू के आ जाएगा ना, टू आर, आर का वैल्यू तो किसी ने फिक्स किया नहीं, आर तो कुछ भी हो सकता है, तो आर के ऊपर वेरी कर करके आर अगर इनफाइनाइट हो सकता है तो एबीसी का भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आ सकता है, समझ आ रहा है ना, क्लियर है, तो अगर सिर्फ तीन एंगल दिया रहता है तो ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट पॉसिबल ट्राइंगल्स होगा, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ तीन एंगल्स, मैं आपको बार बार बोल के देता हूं कि अगर छह पैरामीटर है आपके पास, इनमें से तीन पैरामीटर दे देता है तो बाकी तीन निकाल सकते हैं, बट उन तीन पैरामीटर्स अगर इस तरीके से दे देता है कि वो तीन एग्जैक्ट एंगल दे दिया तो हमारे पास इनफाइनिट पॉसिबल ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा, सारे के सारे ऑब्वियसली सिमिलर ट्राइंगल होंगे, बिकॉज आप जानते हो क्यों, क्योंकि साइन रूल में रेशियो जो है वो इक्वल होता है, है ना, दैट इज ए बाई समथिंग इक्वल टू बी बाई समथिंग इक्वल टू सी बाई समथिंग इक्वल टू के हो जाएगा, तो ए इक्वल टू समथिंग के, बी इक्वल टू समथिंग के, सी इक्वल टू समथिंग के, तो वो के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा ना एबीसी का वैल्यू, के को अगर वन रखूंगा तो एबीसी का एक सेट मिलेगा, के को अगर टू रखूंगा तो एबीसी का अलग सेट मिलेगा, के को अगर थ्री रखूंगा तो एबीसी का अलग सेट मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, समझ आ रहा है, क्लियर है,
पक्की बात। चलो तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल थ्योरी पोर्शन ओवर हमेशा हमेशा के लिए। अभी जो सेकंड पोर्शन में जो आज हमने पढ़े थ्योरी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्त कुछ आखिरी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, इफ द मीडियन एडी ऑफ ट्राइंगल एबीसी मेक्स एंगल पाई बाई फोर विद साइड्स बीसी। ट्राइंगल है एबीसी, मीडियन का बात आ गया ना, तो सवाल देखते हैं फिर सोचेंगे कि क्या अप्लाई करें, एपोलोनियस लगाएं या फिर लेंथ ऑफ मीडियन के बारे में सोचे या फिर क्या सोचे उसके बाद अपन सोचेंगे। मेक्स एन एंगल पाई बाई फोर, अच्छा मीडियन पाई बाई फोर बना दिया। जब भी मीडियन या फिर एंगुलर बाइसेक्टर कोई भी अगर इस तरीके का एंगल पाई बाई फोर बना देता है तो आप समझ जाते हो कि क्या होता है, एम एन थ्योरम लगा सकते हैं। था ना ये D पॉइंट M इस टू N में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे तो ये 1 इस टू 1 में डिवाइड कर दिया बिकॉज ये D AD मीडियन बोल दिया और काम आसान कर दिया। पाई बाई फोर विद साइड्स BC, ठीक है तो cot B माइनस cot C का मॉड्यूलस लगाना है। तो MN थ्योरम अगर लगा देते हैं, MN थ्योरम क्या सेट करता है, अगर ये M है ये N है तो अपन बोल सकते हैं ना कि M प्लस N इंटू cot थीटा, सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर बी और सी के टर्म्स में अगर लगाए तो क्या हो जाएगा, सी डी कॉट बी माइनस सी डी दैट इज एम कॉट बी माइनस एम कॉट सी, ये था फॉर्मूला। अगर यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करें तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, बी डी प्लस सी डी इंटू कॉट पाई बाई फोर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी इंटू कॉट बी माइनस बी डी इंटू कॉट सी, ठीक है तो cot pi by 4 तो मान हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास bd और cd तो सेम है ना, तो ये ट्वाइस bd हो जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा bd, मान लो cd को bd लिख दिया तो ये कॉमन चला गया तो अंदर आ जाएगा cot b minus cot c, तो ये bd bd कैंसिल हो गया तो cot b minus cot c क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मॉड्यूलस भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। सही बात है क्या, सिंपल सा एप्लीकेशन है MN थ्योरम का, बड़ा आसानी से हो गया ये प्रॉब्लम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा था बेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, इफ यू वांट टी टू थ्री थ्री आर द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दिस पार्ट्स एट द ऑपोजिट वर्टेक्स देन प्रूव दिस, ठीक है पहले डायग्रामेटिकली उसको इंटरप्रेट करते हैं एंड देन अपन अकॉर्डिंगली सोचते जाएंगे। सही बात है, क्लियर? चलिए तो एक ट्राइंगल है जिसका बेस को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, ट्रायंगल इतना बड़ा बना दिया कैलकुलेशन करने का जगह नहीं बचा, एक पार्ट मान लेते ये एक पार्ट मान लेते ये एक पार्ट ये, तो ये ए बी सी डी ई ऐसे मान लेते हैं। क्लियर है? टी वन टी थ्री थ्री आर द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल सबटेंड, मान लो ये वाला ये तीनों के तीनों इक्वल है ना, इसको एक्स बोलते तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो ये एंगल अल्फा बोल देते ये एंगल बीटा बोल देते और ये एंगल गामा बोल देते हैं। सही बात है, क्लियर है? तो अगर अपन कहीं ना कहीं MN थ्योरम यहां पे लगाए, मान लो एक काम करो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले एक काम करो, अगर MN थ्योरम लगाने के बारे में सोच ही रहे हो तो क्यों ना आप ऐसे कर लो, हिंट दूंगा बट प्रूफ आप करोगे। एक बार चलो अपन पूरा ट्राइंगल पे MN थ्योरम लगा देते हैं, बट MN थ्योरम लगाने के लिए वो ये वाला एंगल हमारे को चाहिए होता है ना, तो इसको हम कुछ देर के लिए एज्यूम कर लेते थीटा। सही बात है ना, तो एक थीटा एज्यूम करके काम निपटा सकते, एक बार तो पूरा ट्राइंगल एबीसी में लगा दोगे, ऑब्वियसली एबीसी में लगाओगे तो दो हिस्सा क्या हो जाएगा, एक बार ये हिस्सा हो जाएगा एक बार ये हिस्सा हो जाएगा, तो ट्वाइस एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट थीटा इक्वल टू अकॉर्डिंगली कर लोगे, एक बार ये करोगे। दूसरी बार आप ये कर सकते हो, ध्यान से सोचो, दूसरी बार आप ये कर सकते हो कि इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया, दूसरी बार में आप ये कर सकते हो ना कि चलो सर इस ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को अगर कंसीडर करेंगे तो भी तो सेम थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना ये थीटा, तब एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट थीटा इक्वल टू अकॉर्डिंगली आप लिख लोगे। सही बात है क्या, तो इन दोनों ट्राइंगल में दो बार MN थ्योरम लगा दो आराम से ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। तो अभी के लिए तो मैं ये आपको हिंट दे करके होमवर्क में दे रहा हूँ, बट अगर आपसे नहीं होता तो जरूर आपको क्लास में बता करके दूंगा। क्लियर है क्या, समझ आ रहा है? तो अच्छे से मेहनत करो इस सवाल को लेकर के, आराम से बन जाएगा।
सोचना कैसे है वो तो सारा सब कुछ बता ही दिया, बस अभी जो बाकी है वो क्या बाकी है, सिंपलीफिकेशन बाकी है, जो आप आराम से खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 2 एंड 5, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया यहाँ पे, ये बना लेते हैं हमारा एक सर्कल और जिसके अंदर हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाने वाले हैं जिसका नाम हो जाएगा ए बी सी डी। मान लेते सेंटर कहीं पे है सर्कल पर, टू साइड्स दिया हुआ है, मान लेते टू कंसेक्यूटिव साइड, ये टू है ये फाइव है मान लेते है ना, एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, सही बात है। इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 4√3, इसका एरिया दिया हुआ है 4√3, तो अपने को रिमेनिंग साइड्स निकालना है, तो इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, तो रिमेनिंग साइड कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहली बात रिमेनिंग साइड कैसे निकालेंगे, अच्छा एरिया तो दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो एक तो एरिया का कंसेप्ट लगा दो, इसको आप डायगोनल अगर मानते हो ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ एबीडी ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सीबीडी ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ एबीसीडी इज गिवन टू अस व्हिच इज 4√3, एरिया ऑफ एबीडी क्या हो जाएगा हाफ इंटू 2 × 5 × sin 60, 2 × 5 × sin 60, ये तो आ गया एक एरिया, और उधर एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा sin 120, तो यहां से तो एक रिलेशन आपको पता चल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, क्लियर है, सही बात है ना। चलो एक और रिलेशन कहां से निकालेंगे, देखो मैं आपको बता के देता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं होगा, एक और रिलेशन आप कहां से निकाल सकते हो, ये 2 पता है ये 5 पता है ये 60 डिग्री पता है ठीक है, तो आराम से अपन ये साइड निकाल सकते हैं ना, फ्रॉम ट्राइंगल एबीडी अगर मैं कोसाइन रूल लगाता हूं तो कॉस ऑफ 60 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, 2² + 5² - BD² / 2 × 2 × 5, तो यहां से हमारे पास बीडी निकल करके आ जाएगा, और जैसे ही बीडी निकल करके आ जाता है तो फ्रॉम ट्राइंगल बीसीडी पे कोसाइन रूल लगा दो, कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू x² + y² - BD² / 2 × x y, ठीक है ना, तो एक्स वाई का वैल्यू तो यहां से भी पुट कर सकते हो, तो यहां पे x² + y² के टर्म्स में कोई इक्वेशन आ जाएगा और इधर एक्स वाई के टर्म्स में कोई इक्वेशन आ जाएगा, तो x² + y² के टर्म्स में अगर कोई इक्वेशन मिल गया, एक्स वाई के टर्म्स में अगर कोई इक्वेशन मिल गया, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो ना, बट उल्लू की तरह सॉल्व मत करना, उल्लू की तरह क्या समझते हो ना कि यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू मान लो 2 मिल गया, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल गया, अच्छा यहाँ पे तो x² + y² है, तो x² + y² से आप कोशिश करो कि x + y निकाले, ठीक है, एक्स प्लस वाई अगर निकालोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा, बोलो कैसे, बहुत बच्चे क्या करते हैं अगर मैं ऐसे ऐसे उनको सॉल्व करने देता हूँ ना एक्स वाई इक्वल टू 2 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वो यहाँ से y इक्वल टू 2yx निकाल करके यहाँ पे पुट करके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते, ठीक है, बट ये सबका जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली कर सकते, बोले सर कैसे, कि अगर मैं ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ जिसका रूट्स एक्स और वाई है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा ना भाई, x² - sum of the roots × x + product of the root = 0, खत्म बात, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट्स निकाल दो 1 और 2, तो क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, अभी और बच्चों वाला तरीका अपनाना है क्या, अभी तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पता है तो क्वाड्रेटिक का कांसेप्ट को यूज करो ना, सही बात है क्या, तो इसी सिंप्लीफिकेशन में उस कंसेप्ट को यूज करके अच्छे से नोट्स बना करके लिख दो, तो जब रिवाइज करोगे इसी सवाल को बाद में जाकर के, तो वो कंसेप्ट भी एक साथ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कि जब भी हमारे पास x प्लस वाई और x इंटू वाई वाला चीज होता है, यहाँ पे x² + y² मिलेगा, बट जबरदस्ती में बोल रहा हूँ x + y निकालो, नहीं तो फालतू में दो आंसर आएगा, ये सब नाटक कौन करेगा भाई, सिंपल सा चीज है ना, है ना, अगर यहाँ से आपको x और x का 1 और 2 वैल्यू मिल जाता है तो दो आंसर ऐसे ही दिख रहा है, या तो x1 होगा या तो x2 होगा, तो y का आंसर या तो 1 जब होगा तो 2 होगा, इधर 2 जब होगा तो 1 होगा, ये दो पॉसिबिलिटी क्लियरली दिख रहा है, बट अगर उधर अगर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो फिर पुट करो फिर सिंप्लीफाई करो, कितना नाटक है, समझ आ रहा है क्या, तो डायरेक्टली अपन कर सकते हैं, तो याद रहे जब भी x + y और x × y हमारे पास है तो कभी भी सिंप्लीफिकेशन में नहीं जाना है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देना है जिसका रूट x और y होगा, ट्रांसफॉर्मेशन याद है ना, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते जिसका रूट x और y है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बना देते, तो α² - x + y × α + x × y = 0, तो रूट्स आर x एंड y, आराम से आ जाएगा, क्लियर है यार, समझ आ रहा है, ये सब एग्जाम फीलिंग आपके दिमाग में होना चाहिए, और ये होगा तभी जब आप
अभी मेरे बात सुन करके जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कर करके नोट्स में लिख के जाओगे, फिर अगले क्वेश्चन में जाओगे, तभी आपसे होगा, अदरवाइज आपसे नहीं होगा। बात ये मानने से नहीं होगा, आपसे ज्यादा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, आपका दिमाग हो सकता है आपके पास ज्यादा, बट एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। आईटी का पेपर आपने ज्यादा थोड़ी ना देखो, मेरे से नहीं देखो ना, दिमाग आपके पास ज्यादा हो सकता है लेकिन एक्सपीरियंस मेरे पास ज्यादा है। तो बात मान लो तो फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो खुद होकर घर करके सीख जाओगे कभी ना कभी, ठीक है। दिक्कत क्या है, आज नहीं सीखोगे कभी ना कभी तो सीखोगे, समय तो आपको सिखाएगा कभी ना कभी। आज मेहनत करोगे समय अभी फल देगा, अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो कभी ना कभी तो करोगे, वो मेहनत तो कभी ना कभी पुट करना पड़ेगा ना जिंदगी में, तभी आप आगे जाओगे, नहीं तो आगे नहीं जा पाओगे कभी। सिंपल सा लॉजिक है भाई, अगर आज मेहनत कर लिए तो आज ही वो गिफ्ट मिलेगा आपको समय की तरफ से, अगर आज वो मेहनत नहीं करते हो तो समय आपको कभी ना कभी कराएगा, याद रखना वही मेहनत आपको समय कभी ना कभी कराएगा, और समय जब कराएगा तो टेंशन, आंखों में आंसू, ये सब साथ में गिफ्ट में देगा। समझ आ रहा है ना। आगे चलते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज ए वन एंड द एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल इज ए टू, देन फाइंड ए वन अपॉन ए टू। तो सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सर्कल क्या बोल रहा है, ए वन, तो ए वन का वैल्यू पाई आर स्क्वायर हमें पता ही चल गया, और एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड, एरिया ऑफ रेगुलर पेंटागन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन हमने निकाले थे ना फॉर्मूला जो था, ठीक है। बट वो फॉर्मूला अभी 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 जो मैं पाई आर स्क्वायर बोल रहा हूँ, ये पाई आर, ये बेसिकली आर मतलब कैपिटल आर होगा यहाँ पे, ये आर तो ये वाला आर का बात बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो मेरा सर्कम सर्कल है ना। तो अभी जो मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो मैं लिखूंगा फॉर्मूला, वो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, स्मॉल आर के टर्म्स में या कैपिटल आर के टर्म्स में? ऑब्वियसली कैपिटल आर के टर्म्स में जो फॉर्मूला है उसी को लूंगा, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, फाइव हो जाएगा, ठीक है। एन का वैल्यू फाइव हो जाएगा, एन का वैल्यू फाइव पुट कर दो, और कैपिटल आर के टर्म्स में जो एरिया का फॉर्मूला था वो हो जाएगा आपका ए टू, ठीक है ना। वो ए टू लिख दो, वो फॉर्मूला देख लो, चिपका दो, एन का वैल्यू फाइव पुट कर दो, और कैपिटल आर वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर यहाँ पे आप स्मॉल आर गलती से लिख देते हो, और इधर आप स्मॉल एसएसएलए मिस्टेक होता है स्टूडेंट से, बोल के दे रहा हूँ सब कुछ पता हुआ, सब कुछ पता है उसको, फिर भी गलती कर दे, कैसे? कि ये जो है ये सर्कम सर्कल वाला कंसेप्ट है, तो यहाँ पे जो रेडियस था वो तो हमने जब थियोरी पढ़ाया था तब तो उसको कैपिटल आर कंसिडर किया था, है ना, बट याद रह जाता है वही फॉर्मूला। और गलती से मान लो इसको अगर स्मॉल आर लिख दिए, इसको पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, फिर ए टू आप लिख दोगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर, तो गलत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तब तो आप इन सर्कल वाला कंसेप्ट कर लोगे ना, रेशियो आपका गलत आ जाएगा, सही है। इसीलिए ये सब चीज में ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया था थियोरी पढ़ने के बाद कैपिटल आर, तो आप भी कैपिटल आर ही यूज करोगे, सही बात है क्या, क्लियर है? तो आराम से सिंपल सा चीज है, होमवर्क देता हूँ आराम से बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही है क्या? ये सारे होमवर्क, ये सारे होमवर्क अपन करेंगे, हिंट दे दे के जा रहे, ठीक है, सारे होमवर्क अपन चेक करेंगे सबका, पहले बता रहे, ठीक है। काम नहीं करोगे तो ये सब आपके लिए नहीं है, 90% एफर्ट खुद लगा रहे, 10% की आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या? कौन पढ़ाएगा आपको ये सब? हम नहीं पढ़ाएंगे तो पढ़ाएगा आपको, घंटा पढ़ाएगा। प्रूव दैट एरिया ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ टू एन साइड्स, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका साइड 2n बोला है, ठीक है, ओ सॉरी 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 क्या बोल रहा हूं, जिसका टोटल नंबर ऑफ साइड्स 2n है, n साइडेड पॉलीगन हमने किए ना, यहां पे बोल रहा है 2n साइड्स है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, तो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल का फॉर्मूला लिख दो, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल का फॉर्मूला लिख दो एरिया, ठीक है, एरिया तो आपको पता ही है, किसी भी एक टर्म में लिखना, या तो स्मॉल आर के टर्म में या तो कैपिटल आर के टर्म में, और वो बोला है ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन्स ऑफ एन साइड, ठीक है। तो इसमें जब एरिया लिखोगे तब आप एन की जगह पे 2n यूज करोगे, बट रिमेनिंग दोनों पे जब आप एरिया लिखोगे तो उसमें आप n ही यूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोला है ऑफ द एरियाज ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, क्लियर। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से ये सब कर सकते हो, मुझे ये सब बताने का कोई जरूरत है ही नहीं, मुझे लगता नहीं है कि मैं थ्योरी में इतना एफर्ट लगाने के बाद भी ये सब चीजों को करके देने का जरूरत है। अगर ये सब चीज आप सोच के कर नहीं पाए तब तो थ्योरी का टी भी आपको समझ नहीं आया, सही बात है ना भाई। आगे चलते हैं अपन, इफ ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए फाइव आर द कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है,
रेगुलर हेक्सागन कैसे स्ट्रक्चर होता है याद होगा आपको, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना आपका साइक्लोहेक्सेन। यार ये क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, जिन्होंने पढ़े हो उनको पता होगा C6H12 ऐसे ही था ना कुछ फॉर्मूला इसका, C6H6 तो बेंजीन का था बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड बनाया ना भाई, सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, बेंजीन में डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, गोला आता है ना बीच में, डिलोकलाइजेशन चलता रहता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ज्ञान झाड़ के फायदा नहीं है, अपन अपनी चीज से मतलब रखते हैं। एनॉट A1 A2 डॉट डॉट A5 ये पांच वर्टिसेस है, तो इसको एनॉट बोल देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये आपका A5 है, सही है। यूनिट सर्कल, अच्छा अच्छा अच्छा, रेगुलर हेक्सागन बोला है ऊपर से यूनिट सर्कल बोल दिया, ठीक है ठीक है। यूनिट सर्कल मतलब ये लेंथ कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये लेंथ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये लेंथ भी क्या हो जाएगा, 1। अच्छा देख, रेगुलर हेक्सागन अगर है ये तो एंगल सबटेंड कितना होगा वो चीज समझना बड़ा जरूरी है, यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड होगा वो पहले बोलो आप मुझे, एंगल एग्जैक्टली कितना सबटेंड हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 1 है, ये 1 है और इसको मैं सेंटर O बोल देता हूं, तो एंगल सबटेंड कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो ये 360 बाय 6 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री एंगल सबटेंड होगा ना, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है उसका फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय n था, तो n का वैल्यू 6 होगा बिकॉज़ हेक्सागन है, तो ये 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो ऑल थ्री साइड इक्वल हो जाएगा ना, बिकॉज ये दोनों अगर 1 हो गया तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये अगर 60 हो गया तो इन दोनों को भी 60 होना पड़ेगा, मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये दोनों अगर 1 है तो थर्ड साइड भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली एक लेंथ तो मिल ही गया, एनॉट इंटू A1 का वैल्यू 1 तो मिल ही गया। आपको क्या बोला है, आपको प्रोडक्ट निकालना है एनॉट A1 का, एनॉट A2 और एनॉट A4 का, ठीक है। तो एनॉट A1 मिल गया, अभी एनॉट A2 कहाँ पे है, ये रहे वो एनॉट A2, ये रहा एनॉट A2 और एनॉट A4 कहां पे है, ये रहा एनॉट A4। तो रेगुलर हेक्सागन अगर है तो सारे साइड्स क्या होगा, सेम होगा ना लाइन, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो अभी एनॉट इंटू A2 कैसे निकाल सकते भाई बोल, ये भी 60 डिग्री होगा, देख ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है और ये एंगल पता है, तो कोसाइन फॉर्मूला लगा के आराम से ये लेंथ निकाल देगा ना, आराम से निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी 120 डिग्री होगा ना, ये 120 डिग्री कैसे होगा वो भी निकाल सकते हो। ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, n-2π/n होता है, n-2π/n होता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6-2 × 180/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, तो ये 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, जो कि आपका ज्योमेट्री के लिए आपको मिल भी रहा है, ठीक है। 120 ये पता है, ये पता है, तो एग्जैक्टली एनॉट A2 जितना होगा एनॉट A4 भी उतना ही आएगा, ये 1 है, ये 1 है, 120 है, इधर भी 120 है, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही होगा, कोसाइन फार्मूला लगा के इसको निकाल दो, ये पता चल जाएगा, सिमिलरली ये भी होगा और ये तो 1 पता ही है, फिर तीनों का प्रोडक्ट निकाल देना, सिंपल सा लॉजिक हो गया ना भाई। तो इस तरीके से पॉलीगन में बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल एडवांस पर डिजाइन हो सकते हैं, क्लियर है। चलो होते भी हो सकते हैं, कैसे होते भी, अगले सवाल पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट करेंगे भाई, ये पूरा पूरा होमवर्क है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन कंप्लीट करेंगे सारे सवाल के, 90% क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, सही बात है क्या, बस आपको इसको कंक्लूशन तक पहुंचाना है और खुद को एक बढ़िया सा फिनिशिंग और प्रैक्टिस देना है, इसके थ्रू शीट के थ्रू तो दोगे, इसके थ्रू भी एक प्रैक्टिस मिलेगा। आगे चलते हैं, इफ द एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेटल ABCD इज 3√3/4, वापस साइक्लिक क्वाड्रेटल का सवाल आ गया, सर्कल बनाओ क्वाड्रिलेटरल बना दो, सर्कल बनाओ और क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये है आपका A, ये है B, ये है C, ये है D, चलो एरिया इसका दिया हुआ है, एरिया इसका दिया है, एरिया ऑफ ABCD इज गिवन टू अस व्हिच इज नथिंग बट योर 3√3/4, 3√3/4, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट इज 1, अच्छा रेडियस इसको अगर मैं सेंटर बोलता हूं तो ये चारों लेंथ कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, सही बात है क्या, ये चारों लेंथ 1 के इक्वल हो जाएगा, सही है। इफ AB इज इक्वल टू 1, AB का वैल्यू भी 1 दे रखा है और BD का वैल्यू √3 दे रखा है, BD का वैल्यू √3, अच्छा मतलब ये सब निकाल के फायदा कुछ है नहीं, ठीक है ना, BD का वैल्यू √3 दिया है तो डायरेक्टली BD बनाते हैं, BD का वैल्यू √3 दिया हुआ, चलो ठीक है, AD 1 है, देन AB इज टू CD,
बीसी डॉट सी डी निकालना। अच्छा बीसी इज टू सी डी, तो इज टू नहीं डॉट मतलब प्रोडक्ट निकालना है। तो बीसी इंटू सी डी अगर निकालना है तो पता ही चल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया का बातचीत चल रहा है। सही बात है क्या? क्लियर है? अच्छा तो एरिया का कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या कहीं से? एरिया का कंसेप्ट तो लगा सकते हैं, लगाएंगे तो बिल्कुल ये क्लिक भी करेगा, बट उससे पहले हमें कोई ना कोई एंगल तो चाहिए होगा ना। एरिया ऑफ एबीसीडी दिया हुआ है ना, ये एंगल अगर निकल जाता है तो बात बन जाएगा। क्या बोलते हो? सही बोलते हो क्या? कैसे निकाली ये एंगल बोलिए पहले। एरिया ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रेंट इज दिस द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट, वन रेडियस वन दिया हुआ है ना। अच्छा रेडियस अगर वन दिया हुआ है तो अपन लोग इतना चीज बोल सकते हैं ना, ये तो रेगुलर फिगर है नहीं, तो रेगुलर पॉलीगन सोच के तो फायदा है ही नहीं। यहाँ पर यहाँ पे क्या सोच करके फायदा है ये भी पता चल गया, बी टी पता चल गया। अभी ये निकालने के लिए एक एंगल का जरूरत है, ये एंगल कैसे निकाले वही सवाल है। सवाल देखिए ये एंगल कैसे निकाले है ना। अच्छा ए वी का वैल्यू वन दिया हुआ है और रेडियस भी वन है, ए बी का वैल्यू वन दिया हुआ है तो रेडियस भी वन है, तो रेडियस अगर वन है तो हम लोग एक काम तो यहाँ पे कर सकते हैं ना आराम से। रेडियस अगर वन है ये भी वन है ये भी वन है बोल सकते हैं, ये हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी सिक्सटी, सिक्सटी होगा। बट बी डी के साथ सेंटर का कोई अलाइनमेंट होगा या नहीं वो तो हम नहीं बोल सकते ना, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। बी सी डॉट सी डी खैर चलो इसको बाद में सोचेंगे, डिफिकल्ट सवाल आगे पीछे जो जो आसान आसान है करते जाते हैं उसको बाद में अपन देखेंगे। आगे चलते ये बाकी है ना, कोई बात नहीं। B इक्वल्स टू थ्री सी इक्वल्स टू फोर और एंगल B दिया हुआ है तो आपको रिमेनिंग साइड्स और बाकी सब कुछ निकालना है। तो B थ्री दिए C फोर दिया हुआ है, B थ्री है C फोर है और एंगल B पाई बाई थ्री दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस डाटा। ठीक है तो मैंने आपका लास्ट टॉपिक इससे पहले ही कराया था ये सब चीज, ठीक है ना। तो b लेस देन c साइन b है या नहीं वो सब चेक करो, बट वो सब बिना चेक के भी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इतना फॉर्मुला वगैरह याद रख के क्या करोगे। इससे अच्छा डायरेक्टली चेक करो ना, b by sin b is equal to c by sin c होता है आप जानते हो, तो sin c का वैल्यू चेक कर लो, अगर sin c 1 के छोटा आ रहा है तो आराम से ये चीज ट्रू हो जाएगा। c sin b मतलब b लेस देन c sin c होना चाहिए, ये पता कहां से चलता है? sin c should be less than 1, हमेशा जानते हो sin थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होता है, तो c sin b / b 1 से छोटा होना चाहिए। तो सी साइन बी बाई बी यहां से क्या होगा, सी साइन पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई सी क्या है फोर साइन पाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई बी दैट इज थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, तो ये फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये टू से कैंसिल करके ये टू ये थ्री, तो ये आ जाएगा रूट थ्री, तो ये टू बाई रूट थ्री आएगा जो कि वन से बड़ा है, तो साइन सी का वैल्यू तो कभी वन से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो कोई ट्राइंगल पॉसिबल होगा क्या? नहीं, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल कितना हो जाएगा? जीरो, एक भी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप वही चीज तो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना आपको कोसाइन रूल से, मैंने बताया था अभी साइन रूल से बता दिया, सही बात है ना, कि अगर आपका अगर आपका बी जो है वो अगर सी साइन बी से छोटा हो जाता है तो नो ट्राइंगल पॉसिबल होता है, केस वन तो वही था, और इसका एग्जैक्ट फीलिंग को समझो ना, बी अगर साइन सी साइन बी से छोटा हो जाता है तो साइन थीटा का वैल्यू वन से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए तो नो ट्राइंगल पॉसिबल है। उधर कोसाइन से देखे थे इधर आप साइन से देख सकते हो, क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल अभी तक जे पूछा नहीं है बट किसी भी वक्त मेंस या फिर एडवांस में पूछ सकते हैं, कोई भी तीन पैरामीटर दे करके नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स के ऊपर कुछ भी बोलो पूछ सकते हैं। अभी तक ये फ्रेश टॉपिक है, नया नया है ये, ठीक है क्या? आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए बराबर 30 डिग्री, ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ए का वैल्यू दिया है 7, बी का वैल्यू दिया है 8 और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, अगेन ये चीज हमें पूछा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां से, तो वही चीज साइन थीटा से चेक कर लो, 7 बाई साइन 30 इज इक्वल टू 8 बाई साइन बी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हाफ हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, तो साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन बी का वैल्यू हो जाएगा 8 बाई 14, सही है ना।
तो आराम से ये पॉसिबल हो सकता है। अभी कितने ट्राइंगल पॉसिबल होंगे एग्जैक्टली, उसके लिए अपन चलते हैं कोसाइन रूल में। अभी तो पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है, एक या फिर दो पॉसिबल हो सकता है, बट एक या दो में से कौन सा होगा, क्योंकि साइन थीटा तो डिफाइंड है, एंगल भी तो डिफाइंड होगा ना। तो अभी चलते हैं कोसाइन रूल पे। कोसाइन रूल पे जैसे ही जाएंगे तो हमारे को सारा चीज मिल जाएगा शायद। तो कॉस ए दिया है तो कॉस ए का फॉर्मूला यूज करते क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी होगा ना। तो कॉस ए हो जाएगा रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 64 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए बी, दैट इज 2 इंटू ए बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 फॉर 16 इंटू 7 दैट इज 4 11 112। तो ये कैंसिल अगर करेंगे तो ये 56 आएगा, दैट इज 56 रूट 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 113 माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 113 माइनस 56 रूट 3। तो यहां से तो सी का एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा, यहां से तो एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा ना भाई, यहां से एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा है ना, क्योंकि प्लस माइनस दो आएगा ना, तो माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्लस वाला लेंगे। तो यहां से एक ही पॉसिबल वैल्यू आएगा सी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने ट्राइंगल बना सकते हो, ओनली वन ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दैट रूल। सही है, क्लियर है, चलो ये कंसेप्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ट्राइंगल एबीसी में ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, आपको रिमेनिंग साइड्स और एंगल निकालना है। इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो आपके लिए होमवर्क बनता ही। क्लियर है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट सच दैट बी टू इज इक्वल टू टू बी वन, बी वन बी टू आर टू वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड, ए सी पता है और एंगल ए, ये तीनों के तीनों गिवन है। तो बी के टर्म्स में सिंपल सा लॉजिक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ट्वाइस ए सी है ना, जिस एंगल का इंफॉर्मेशन देगा उसी एंगल के फॉर्मेट पे कोसाइन बना दोगे। तो ये सब क्वाड्रेटिक बेस्ड प्रॉब्लम भी दे सकता है, जो मैंने आपको डेरिवेशन कराया था ना थोड़ी देर पहले, जो पूरा पूरा थियरी बताया था नोट देकर के, वो यही तो था ना, बी स्क्वायर के टर्म में अपन क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सोच के रखो यही तो था, ठीक है, बी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए सी कॉस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो इसका अगर दो रूट मैं बोल देता हूँ बी वन और बी टू है, तो सम ऑफ द रूट बी वन प्लस बी टू, यहाँ पे बी का तो कोई कॉफिशियंट नहीं है तो जीरो हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा सी बाई ए, दैट इज ट्वाइस ए सी कॉस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अभी बी टू इक्वल टू बी वन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कुछ भी कर लो, बी टू बाई बी वन इक्वल टू टू है, फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो तो ऊपर सम ऑफ द रूट आ जाएगा, नीचे प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स आ जाएंगे, तो आराम से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सही बात है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये चीज प्रूफ करना है तो वो आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ए सी कॉस ए सब कुछ दिया गया है, मतलब ये कॉन्स्टेंट होगा, सही बात है ना भाई। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ट्राइंगल एबीसी साइड्स आर 6 10 एंड 14, फाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल एक ट्राइंगल में कितना होता है, सबसे ग्रेटेस्ट एंगल ही तो होगा ना ऑब्ट्यूज एंगल, सोचो ना अच्छे से प्रॉब्लम को कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अगर सर ने बनाया तो ऑब्ट्यूज एंगल सबसे ग्रेटेस्ट एंगल ही होगा ना क्या, या फिर इस ऑब्ट्यूज एंगल से भी बड़ा कोई एंगल हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं होगा, तब तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा ना। ऑब्ट्यूज एंगल अगर सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है तो इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है कि उस ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल आप निकालो। तो उस ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट पॉसिबल एंगल मतलब क्या, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट एंगल हमेशा कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट साइड जो होगा उसका ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फिर हम आप पढ़े थे क्लास 9th में, लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट हो जाता है। यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन है, 14 है, तो ये 14 मान लो, ये 6 10 मान लो, तो ये एंगल निकाल दो, इसको थीटा मान दो, तो ये cos थीटा क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 6 इनटू 10, आराम से यहां से थीटा निकाल के रख दो आ जाएगा लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है क्या, सही बात है। और यहां से अपना निकाल दो आप ये ट्राइंगल एबीसी, ये होमवर्क में दे रहा हूं यार, एक क्वेश्चन होमवर्क में रखो पी और एक क्वेश्चन, बाकी सारे क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत करके अपन डिस्कस करके दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक क्वेश्चन पी और होमवर्क में दे रहा हूं, ये अपन होमवर्क में डिस्कस करेंगे, सही बात है क्या, क्लियर है। तो चलिए अच्छा दोस्त, यहाँ पे एग्जैक्टली मेरा ये दो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक फॉर्म में, ये बता देता हूँ आपको वापस, अब ध्यान से एक बार इसको वापस देख लो,
यहाँ पे तो ये जगह जो फॉर्मूला गलत लिख दिया था कॉस ए का, इस वजह से गलत आ रहा था, बट मैं आपको और थोड़ा ध्यान से इसको बता देता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, पहले तो ये सेवन वाला बाकी था, सेवन वाला ही बता देता हूँ। इफ एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यहां से देख लो, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ए बी सी डी, इसको अपन क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ये बी डी हमारा डायगोनल हो जाएगा एक, सही है क्या, क्लियर है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हमें बी सी इंटू सी डी निकालना है ना, तो बी सी इंटू सी डी निकालना है, तो इसको एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जब तक ये एंगल पता नहीं चलेगा, बिकॉज साइक्लिक के एक एंगल पता चलने से दूसरा पता चल जाएगा। मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे है कहीं पे, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल सी है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा ना, और रेडियस यूनिट सर्कल बोला है तो रेडियस दोनों का वन वन होगा, देखो, ठीक है। और ए बी का लेंथ भी दे रखा है उन्होंने, ए बी का लेंथ दे रखा है वन और बी डी का लेंथ दे रखा है रूट थ्री, ठीक है। तो रूट थ्री वन और वन के मदद से आप सी एंगल निकाल सकते हो आराम से, कोसाइन फॉर्मूला लगा दो ना, तो कॉस ऑफ टू सी क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू वन इंटू वन, ये आ जाएगा टू माइनस थ्री माइनस हाफ हो जाएगा, तो टू सी का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री, तो सी आ जाएगा 60 डिग्री। सी अगर 60 डिग्री मिल गया तो ऑब्वियसली ए हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। तो एरिया जब लिखेंगे तो हमें हाफ इंटू वन इंटू ए डी, अच्छा ए डी का लेंथ तो नहीं पता ना, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन 60, ये तो इस ट्राइंगल का पता चल जाता है, टोटल क्वाड्रेटल का एरिया दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल के एरिया के लिए बस ए डी का लेंथ चाहिए, तो ए डी का लेंथ भी निकाल देते यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। कॉस 120 अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, वन स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू ए डी आएगा ना, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके आराम से ए डी निकाल सकते हो। और ए डी अगर पता चल गया तो एरिया वाला कंसेप्ट लगा दो, इस ट्राइंगल के एरिया प्लस इसका एरिया हो जाएगा ओवरऑल क्वाड्रेटर का एरिया। पूरा क्वाड्रेटर का एरिया क्या था, पूरा क्वाड्रेटर का एरिया था थ्री रूट थ्री बाई फोर, थ्री रूट थ्री बाई फोर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एक्स वाई साइन 60, एक्स वाई आपको निकालना है, प्लस इधर हो जाएगा हाफ इंटू वन इंटू ए डी इंटू साइन 120, तो ए डी यहाँ से आएगा, यहाँ पे पुट हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करके एक्स वाई मिल जाएगा आपको, तो वही निकालने बोला है ना, बी सी इंटू सी डी निकालने बोला है, ठीक है। तो कर लीजिएगा अच्छे से, एकदम बढ़िया से नोट्स बना करके लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ मैं आपको बता के देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा साइन का वैल्यू, क्योंकि आंसर मैच नहीं हुआ, आंसर टू दिया हुआ है इसका, है ना, वन नहीं टू दिया हुआ है, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप थ्योरी जो मैंने पढ़ाया था आपको थोड़ी देर पहले उसके अकॉर्डिंग अगर करते हो तब तो आराम से हो जाएगा, बट उसके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलते साइन के थ्रू चलते हो तो ए डिवाइडेड बाई साइन 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू जो यहाँ से आएगा आपका वो हो जाएगा कहीं ना कहीं 4/7, तो 4/7 इज लेस देन हाफ, तो साइन बी अगर हाफ होता है तो क्लियरली देखो, अगर साइन बी हाफ होता है तो जीरो से पाई के बीच में दो आंसर देता है ना, 5π/6 और 5π/6, और अगर ये हाफ से भी छोटा है तो आपको डेफिनेटली जीरो से 180 के बीच में बी का दो सॉल्यूशन तो आएगा, बी का दो सॉल्यूशन तो आएगा इन जीरो से पाई बाई, एक आ जाएगा एक्यूट और दूसरा आएगा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज आएगा, तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पॉसिबल होगा, सही है क्या। और अगर आप कंडीशन से देखना चाहते हो जो मैंने थ्योरी थोड़ी देर में पहले पढ़ाया था तो उसमें आप देख लेना, यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि बी इज ग्रेटर देन, बी कितना है आपका, बी है आपका 8, बी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, और ए जो है वो किससे बड़ा है, वो बी साइन बी, वो बी साइन बी, दैट इज बी साइन बी नहीं ए, दैट इज 8 × 1/2, 4 से बड़ा है, तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो एग्जैक्टली आप देख लेना कौन सा कंडीशन है, ठीक है। ए अगर लेस देन बी साइन ए हो जाता है तो नॉट ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी, अगर ए ग्रेटर देन बी साइन ए हो जाता है तो आपका केस 3 चलेगा, उस केस 3 में भी अगर बी ग्रेटर देन ए वाला केस हो जाता है तो कितना ट्राइंगल पॉसिबल होगा आप देख लेना। इधर तो ए देकर के आ रहा, मैंने आपको बोला था ये चीज ए देकर भी आ सकता है या फिर ए और सी देकर भी आ सकता है, बस आप उस पैटर्न को याद रखना, सही बात है ना। तो उधर मैंने क्या देकर के ये बताया था, बी और सी देकर के बताया था, इधर सी के जगह पे ए आ गया, तो चेक कर लो सिमिलर पैटर्न में कि बी इज ग्रेटर देन सी के केस में कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, सही बात है क्या। तो एग्जैक्टली यहाँ से भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि बी का दो सॉल्यूशन है, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा,
ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा और एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पॉसिबल हो जाएगा, सही है क्या? गारंटी देकर के ये तो नहीं बोल सकता कि ये ट्राइंगल एक्टिव, ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होगा, बिकॉज एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया। अभी अगर ये एक्यूट है तो रिमेनिंग टू एंगल में से कोई ना कोई एंगल जो ऑब्ट्यूज होगा ये तो पता नहीं है ना, ये एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ये केस एक्यूट भी हो सकता है ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, बट ये वाला ऑब्ट्यूज होगा ये तो कंफर्म हो गया, बिकॉज उसका एक एंगल तो ऑब्ट्यूज हो गया, सही बात है। इस तरीके से अपन आराम से सोच करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अपन ने तो cos a का फॉर्मूला ही गलत लिखा था 11 वाले पे, तो cos a का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है। तो यहां से सॉल्व होकर के क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2bc cos a इक्वल टू जीरो। इसको अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 सी इंटू कॉस ए इंटू बी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी देखो सी और कैपिटल ए और सी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये तीनों के तीनों गिवन है, गिवन मतलब क्या कॉन्स्टेंट है, तो ये भी कॉन्स्टेंट होगा ये भी कॉन्स्टेंट होगा, तो ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा इन बी, जिसका दो रूट आपको क्वेश्चन में दिया है b1 और b2। तो इसका दो रूट अगर b1 और b2 है तो क्लियरली यहां से समझ आता है कि b1 प्लस b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स दैट इज माइनस b बाई a, तो कितना आ जाएगा 2c cos a, और b1 इंटू b2 का वैल्यू कितना आ जाएगा c बाई a दैट इज c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तभी इन दोनों को आपको आराम से बस सॉल्व करना है, और एक और रिलेशन आपके पास है b2 इज इक्वल टू ट्वाइस b1, तभी इन तीनों को आप सॉल्व करके आराम से आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है, कर दो क्लियर, समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, और ये तो आपका होमवर्क दिया मैंने ऑलरेडी, क्लियर है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान दे देना, जो प्योरली होमवर्क दिया वो सिर्फ दो क्वेश्चन है, ये प्योरली होमवर्क है और ये प्योरली होमवर्क है, बाकी सारे क्वेश्चन तो 90% क्वेश्चन सॉल्व करते दिए, मतलब 90% पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन, क्लियर है, सही बात है। तो प्रॉपरली कर लीजिएगा, है ना, और एक एक चीज मैं चेक भी करूंगा, डिस्कस भी करूंगा जूम पर आपके साथ, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ओवर विद इन 4 लेक्चर्स, कंप्लीटली एक एक कोना कोना छानबीन मार के पढ़ा दिया पूरा पूरा, ठीक है। तो सफिशियंट है ये, है ना, 6 to 7 hours सफिशियंट है, ठीक है ना। अगर अपन डेढ़ घंटा वाला लेक्चर भी ले तो डेढ़ घंटे वाला लेक्चर में हमारे को मैक्स टू मैक्स अगर शीट भी डिस्कस करके ले लो तो 6 लेक्चर लगता है, तो शीट डिस्कस नहीं होना, 4 लेक्चर में सफिशियंट है, शीट डिस्कस अगर करते क्लास में होते तो आराम से 6 लेक्चर चला जाता, क्लियर है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन में है लेक्चर 1-2, तो बहुत ही सिंपल और उसी जगह से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेक्चर 1-2, लेक्चर 3-4 थोड़ा सा रेयर है और थोड़ा डिफिकल्ट सेगमेंट में है, तो इसमें रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लेक्चर 3 को याद रखने में, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ये बहुत काम का चीज है, मेंस में भी कभी भी आ सकता है, ऐसा मत सोचो कि मेंस में नहीं चाहिए, सब कुछ पढ़ के जाओ, क्लियर है। तो खत्म हुआ यहीं पे लेक्चर, और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली आप पूछ लीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो आज के लिए यहां तक समाप्त करते हैं, अलविदा, और शीट को अभी जो भी शीट आएगा शीट को प्रॉपरली सॉल्व कर लेना क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो समाप्त करते हैं, और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली पूछ लेना, अलविदा।